जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती, बड़ा सहारा है। कुछ बुझा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र मंत्र सा पढ़ते हो, उसे भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी के झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हुई और आज 7 नवंबर 2017 को अहमदनगर तथा आसपास के प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से सायंकाल के बेला में दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि जब कुछ सोचने और समझने का समय मिलता है। आप लोग कथा भागवत पुराण कुरान तो सुने होंगे, लेकिन सत्संग इनमें से कोई विरले ही होंगे जिनको मिला होगा। सत्संग अलग होता है, कथा भागवत ये चीज़ें अलग होती हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा, कन्या कलावती साधु बनिया की कहानी ही सभी विद्वान सुनाते हैं। राम कथा में राम की लीला, कृष्ण कथा में कृष्ण की लीला, महाभारत में युद्ध का घमासान यही सब सुनाते हैं, लेकिन सत्संग में शुरू से लेकर के और आखिर तक मनुष्य जीवन का ज्ञान दर्शाया जाता है कि मनुष्य शरीर कैसे मिला और किस काम के लिए मिला और इंसान आदमी इस समय पर किस तरह से इसको गंवा रहा है, अपने समय को निकाल दे रहा है और समय की कीमत अगर नहीं लगाया तो समय पूरा होने पर किस तरह से यह फंस जाएगा, कैसी तकलीफ होगी। इन सारी बातों को सत्संग में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जब सत्संग बराबर मिलता रहता था तो बड़ी खुशहाली थी, बड़ा अमन चैन था। पहले के समय में लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों की नीयत सही रहती थी, बरकत होता था। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी, लोग बड़े खुशहाल थे। आज कल की तरह से कोई आत्महत्या नहीं करता था, कोई घर छोड़ करके नहीं भागता था, औरतें जल के नहीं मरती थीं, बड़ी ही शांति घर में रहती थी। लेकिन अब इस समय देखो चारों तरफ परेशानी ही नज़र आती है, चाहे खेती करने वाला किसान हो, रोजगार करने वाला व्यापारी हो, अधिकारी या कर्मचारी हो, लेकिन सब के सब लोग दुखी हैं। तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं और समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही। तो उसका कारण यही है कि इंसान रहना खाना नहीं सीख पाया, विचार व्यवहार यानी कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सीख पाया, इसलिए यह परेशानी आई। दूसरा कारण यह है कि लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हैं। खाने का इंतज़ाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतज़ाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि दो रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे बुढ़ापे में शरीर को, तो शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति ताकत है उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए कि जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं, कौन सी चीज़ निकल गई। और इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख कर के कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया और इसको मिट्टी बता रहा है, मोतियाबिंद हो गया है आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, बताओ। लेकिन प्राण निकलने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सब के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और 2 घंटा भी घर में नहीं रखने देते, कहते ले जाओ इनको जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप इस बात को समझो कि ये जो ज़मीन है, धरती है, यहाँ का नियम अलग है, स्वर्ग वैकुंठ का नियम अलग है, जैसे आपका महाराष्ट्र का सरकार का नियम अलग है, मध्य प्रदेश में कुछ नियम अलग हैं, कुछ दूसरे प्रांतों में नियम अलग हैं, समाज बिरादरी का नियम अलग अलग होता है। ऐसे ही वहाँ का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग है। तो इस धरती का यह नियम है कि यहाँ जो पैदा होता है वो मरता है और एक जैसा पैदा होता है, चाहे राजा का बेटा हो और चाहे गरीब का बेटा हो, भीख मांगने वाले का बेटा हो या कोई डॉक्टर इंजीनियर का बेटा हो, लेकिन सब के सब नंगे ही पैदा होते हैं। आज तक कोई चड्डी बनियान पहन करके पैदा हुआ? सब नंगे पैदा होते हैं और सब कुछ उतरवा करके, रखवा करके और फिर शमशान घाट पर ले जाते हैं, जलाते हैं। बदन में कितना भी जेवर हो, गहना जिसको कहते हो, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हो, फटा पुराना ही क्यों न पहने हो, लेकिन उसको भी उतार देते हैं नंगा करके और फिर बेचते हैं। तो नंगे आते हैं और नंगे बेचते हैं। और इस धरती का नियम यह है कि जो यहाँ यानी समझ लो कि अनुयाया वो इसको छोड़ करके जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। जो आग यहाँ इस धरती पर जलती है वो बुझती जरूर है, और जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अब ये जरूर है कि जब सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी अनेक कमाता खाता रहता है और पेट के लिए, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, और खा पी करके बच्चा पैदा करके और दुनिया संसार से चला जाता है। अब ये जब शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है तो शरीर आखिर में अनेक तकलीफ के साथ छूट जाता है और जीवात्मा पकड़ करके कैद हो जाती है, और ये जीवात्मा नरकों में डाल दी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, गलाई जाती है, तपाई जाती है। बड़ी तकलीफ नरकों में झेलनी पड़ती है, और फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद की जाती है, और फिर 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है, और तब यह फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो बड़े भाग कहाँ मानुष तन पावा और सो दुर्लभ सदगन तन गावा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला और देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं। अब आप ये समझो कि अपना वतन, अपना घर कौन सा है? यह घर अपना छोड़ो जहाँ आप रहते हो, यह घर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, अपना होता तो हमेशा उसमें रहते। कहते हो ना कि किराए के मकान में कब तक रहेंगे, अपना घर बनाओ। अपने घर की चिंता फिक्र सब लोग यहाँ जैसे इस धरती पर करते हो, ऐसे ही यानी यह किराए का मकान तो है, यह शरीर भी किराए का मकान है, और जिस मकान में शरीर को रखते हो वो भी आपका एक तरह से किराया जैसा ही है, उसको भी एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। बलख बुखारे का बादशाह बैठा हुआ था अपने दरबार में, बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। राजा लोगों के यहाँ विदूषक हुआ करते थे। विदूषक इसको कहते हैं कि राजा अगर सोच विचार में हो, चिंतन करता हो अपने राज्य और राज्य की जनता के बारे में, तो विदूषक लोग उसको हंसा करके और हंसने वाली, खुश करने वाली बातों को बोल करके और उसको यानी उसकी चिंता फिक्र को दूर किया करते थे। तो बैठा हुआ था, बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। तब तक एक लंबा तिरंगा पर्सनालिटी वाला आदमी वहाँ पर मूछ वाला पहुँच गया। तो रास्ते में उसको किसी भी सिपाही ने रोकने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सहम जाते हैं कि भाई कोई बड़ी अथॉरिटी, बड़ी पर्सनालिटी का आदमी जा रहा है तो सहम जाते हैं, और अगर कोई धड़ ऐसे चला जाए, रुके अगर, तब तो उसको कोई रोकना भी चाहेगा, और नहीं रुकता है, धड़ चला जाता है, तो लोग समझते हैं कि भाई कोई पावर वाला आदमी है, तो एकदम से तेज़ी से चला रहा है, उसको कोई रोकने की हिम्मत नहीं किया। और जब तक सोचें कि रोकें, पूछें कहाँ है, कौन जा रहा है, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, जब तक पूछें तब तक तो आगे निकल गया। तो एकदम तेज़ी से वहाँ पहुँचा। अब दरबार के लोग देखने लगे कि भाई कौन है और कैसे आ गया ये। तो जब तक कुछ बोलें तब तक वही आदमी बोला कि सराय में कौन रहता है। सराय किसको कहते हैं? जहाँ पर शाम को जाओ और रात में सो जाओ और सुबह उठ करके फिर चले जाओ, या 1-2 दिन रुक जाओ, 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा सराय में नहीं रुकते हैं लोग, और ना वहाँ रुकने देते हैं। वो इसीलिए रहता है कि आओ, बैठो, रहो और चले जाओ। जैसे प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर जल्दी डेरा नहीं डालने देते हैं। वो लगे रहते हैं वहाँ डंडा लिए हुए और पूछते रहते हैं भाई कहाँ जाओगे, तो कहते हैं कि इस जगह जाएंगे। तो कहते हैं हाँ, 2-3 घंटा, 4 घंटा इनका ट्रेन आने में देर है तो इनको बैठने दो, लेट भी जाने दो, जगह है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब देख लेते हैं कि बहुत देर से पड़े हुए हैं तो ज़्यादा पूछताछ होने लगती है, और तो कहते हैं चले जाओ वहाँ बाहर, लेटो बैठो। तो ऐसे आने समझ लो सराय उसको कहते हैं कि जहाँ पर रात को रुको और सुबह चले जाओ। तो उसने कहा सराय में कौन रहता है? तो लोगों ने कहा सराय ये सराय तो है नहीं, ये तो है राजमहल, राजा का महल है, ये गलत जगह पर आ गए। तो लोगों ने कहा आप गलत जगह आ गए। बोला मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ, इस सराय में रहता कौन है? तो लोगों ने कहा यह सराय नहीं है, राजा का महल है और ये बादशाह सलामत हैं, ये इसमें रहते हैं, ये उनका दरबार है। बोला मेरे सवाल का जवाब दो कि सराय में रहता कौन है? तो बादशाह चिढ़ गया और बादशाह ने कहा मैं रहता हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये मेरा शाही महल है। तो उसने कहा अच्छा आप बताओ कि तुमसे पहले कौन रहता था? तो उसने कहा मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। तब उसने कहा कि जिस जगह पर इतने आदमी आए और रह करके चले गए वो सराय नहीं है, धर्मशाला नहीं है तो और क्या है? तो उसको बड़ा झटका लगा और उसने कहा कि यह सराय है। उसको ये ज्ञान हुआ जो ऐश और आराम में अनिल समझ लो कि मस्त रहता था, उसको झटका लगा कि भाई यहाँ पर जब इतने लोग आए और रह करके चले गए तो इसका मतलब यह है कि हम भी रहते हैं, हमको भी इसको छोड़ना पड़ेगा। तो सोचता सोचता और फिर निकल पड़ा। तो पहुँचा कबीर साहब के पास और कबीर साहब के आश्रम पर रहा और फिर वहाँ पर रहते रहते सेवा करते करते अपने कर्मों को कटवाया। और जब बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ हो गया, अंतःकरण साफ हो गया, तब उन्होंने उसको नामदान दिया और फिर वही अनिल फकीर हो गया एक तरह से। तो मोटी बात आपको ये याद दिलानी है कि जहाँ पर आप रहते हो यह सराय की तरह से है, और यह मकान जिसमें आप चलते फिरते हो, बोलते हो, ये जीवात्मा बोलती है, यह भी अनिल समझ लो कि किराए के मकान की तरह से है, इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। इसी चीज़ को और लोग भूल गए कि भाई इसको खाली भी करना पड़ेगा। आप भी बहुत से लोग भूले हुए थे, आज आपको याद दिलाया जा रहा है कि जब समय पूरा होगा तो ये धड़ाम से गिर जाएगा। कहीं भी रहोगे इंतज़ार नहीं होगा। हर इंसान को यानी सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, जैसे ये खर्च हो जाएगी बस ये धड़ाम से गिरेगा। अब यह है कि कोई 90 साल जिंदा रहता है, कोई 70 साल, कोई 50 साल, कोई 25-30 साल में ही इस दुनिया संसार से चला जाता है। तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि जो अपनी उम्र को बचा करके, सांसों की पूंजी को बचा करके रखता है वो ज़्यादा दिन जिंदा रहता है, और जिसके सांस ज़्यादा खर्च हो जाते हैं वो जल्दी दुनिया छोड़ देता है। तो सांसों की पूंजी गिनकर खर्च करने के लिए मिली, तो इसका भी खर्च करने का अनुपात बताया गया कि बैठे 12, बैठे रहोगे तो कम खर्चा होगा, बैठे का 12 अनुपात रहेगा, चले 18 और सोवे से 36 और रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। अब यह है जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। जो साधक सिद्ध होते हैं वो अपने प्राणों को, वो अपनी सांसों की पूंजी को ज़्यादा बचाते हैं, क्योंकि जब यह जीवात्मा, शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते थे क्या चीज़ निकल गई। तो ये यानी जब निकलती है तो ये सांस बचे रहते हैं, फिर उस समय सांस नहीं चलता है तो बचे रहते हैं, तो उम्र बढ़ जाती है। यही कारण है। देखो पहले के समय में, पिछले अनुयुगों में, अन्य त्रेता में, द्वापर में बहुत दिन लोग जिंदा रहते थे, बहुत उम्र होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, द्वापर में 10,000 यानी त्रेता में 10,000 वर्ष की होती थी और द्वापर में 1000 वर्ष की होती थी। अब कलयुग में 100 वर्ष बताई गई और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि सांसों की पूंजी को आप बचा के रखो और सांसों की पूंजी जब तक मिली है तब तक अपना काम बनाओ। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? आप जिस चीज़ को समझ रहे हो कि मेरा काम है वो आपका काम नहीं है। घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा मकान बन रहा है, मेरे यानी घर में मुझे एक फर्श लगी है, मेरे घर में मार्बल लगा है, मेरा ये किचन है, मेरा लेटरिन बाथरूम है, मेरे घर में एसी लग गई, मेरा घर बनकर तैयार हो गया। चले आओ पड़ोसियों, रिश्तेदार चले आओ, अब हम मेरे घर का गृह प्रवेश होगा। लेकिन जैसे समय पूरा होगा, सांसों की पूंजी खत्म होने का समय आएगा, ऐसे ही पता चल जाता है। गांव के लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे पैर के ऊपर हाथ रखते हैं तो कहते अरे भाई पैर ठंडा हो गया, ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं तो कहते अरे ठंडा हो गया। आँखों को जैसे देखते हैं तैसे समझ जाते हैं, कहते जल्दी से निकालो, इनको बाहर निकालो, वह फौरन बाहर निकाल देते हैं। उत्तर सिर करके लेटाते हैं। अब उत्तर सिर करके क्यों लेटाया जाता है, इस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा कि आखिरी वक्त पर जब उत्तर सिर करके लेटा देते हैं तो शरीर को जो सेल चलाते हैं वो जल्दी डाउन हो जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो प्राण जल्दी निकल जाता है। क्योंकि देखो बहुत से लोगों के प्राण के निकलने में बड़ी तकलीफ होती है, देखो चिल्लाते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तुतली हो जाती है। उस समय पर अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे अनुवैज्ञानिक, अच्छे अच्छे वैद्य ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई अब कौन सा दर्द का इंजेक्शन दूँ कि जिससे इनके दर्द में आराम मिल जाए, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया दर्द का इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन भी फेल हो जाता है। आखिरी वक्त पर जब यमराज के दूत मार मार करके मुग्दर हथौड़ी से इसको निकालते हैं, पापी कुकर्मी जीवों को मार काट करके ही निकालते हैं। जो संत होते हैं अपने प्राणों को आराम से निकाल लेते हैं, साधक सिद्ध जो होते हैं सुषुम्ना फोड़ कर उनके प्राण निकल जाते हैं, धर्मनिष्ठ के आँख कान से निकल जाते हैं, लेकिन पापी कुकर्मियों के संडास और पेशाब के रास्ते से यमराज के दूध मार मार करके जब निकालने लगते हैं, तब अन्य समय लोकी रोता ही रहता है, छटपटाता ही रहता है। तो यमराज के दूध जब आते हैं निकालने के लिए तो बड़ा दर्द पैदा होता है, जब वो मारते हैं, झुलसाते हैं। तो अब आप ये सोचो, एक दिन आपको घर से निकलना हो, कहीं जाना हो, बहुत अच्छी रिश्तेदारी में जाना हो, आपके यहाँ से वहाँ अच्छा खाना मिलने का हो, अच्छी जगह पर आपके सोने का हो, देखोगे एक दो बार गए भी हो, लेकिन जल्दी घर छोड़ने का मन नहीं कहता है। सोचते हो कि अपना बिस्तर बहुत अच्छा, अपना खाना, अपना परिवार, अपना घर, इसी में आपको अच्छा लगता है। अब जिस घर में, ये घर ही तो है, जिस घर में आदमी 70 साल, 60 साल, 50 साल, 90 साल रहता है, उसको जल्दी छोड़ना चाहता है, जल्दी नहीं छोड़ना चाहता है। किराए के मकान में 20 साल, 30 साल आदमी रहा, मुकदमा दायर कर देता है, कहता है कि हम इतना दिन से रह रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। जब कोई बढ़िया मकान मिल जाता है तब छोड़ते समय भी तकलीफ होती है, बताओ इसी में रहे और इतना दिन जो है बच्चे रहे और कोई दिक्कत नहीं रही, बच्चे पढ़ लिख लिए, ये ज़मीन और ये घर हमको बहुत फलीभूत हुआ और अब देखो हमको छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ना तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि कितना सुंदर शरीर हो, कितना पहलवान और बलवान हो, कितना राजा महाराजा हो, कितना शेर शाहूकार हो, लेकिन उसको शरीर आखिर वक्त में छोड़ना ही पड़ता है। तो ये शरीर तो यहीं गिर जाता है और जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के दूर ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। तो वहाँ पर होता है हिसाब, जैसे आप दुकान का हिसाब शाम को करते हो, जैसे अपनी खेती का हिसाब करते हो कि भाई इतनी लागत लगी, इतनी आमदनी हुई, इतना हमने बोया, इतनी ज़मीन में बुआई किया और इतना हमको खाद डालना है, इतनी बार पानी चलाना है, ये हिसाब किताब तो है। ऐसे ही पूरे जीवन का हिसाब किताब वहाँ होता है, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक की जितनी भी अच्छाई और बुराई होती है, उसका सब का हिसाब वहाँ पर होता है, सबका। अब यह है कि जब लोग सत्संगों में जाते थे, जब लोग महात्माओं के पास जाते थे, तो ये जो जान और अनजान में कर्म बन जाते हैं उसके क्षमा होने का तरीका वो उनको बता देते थे। तो बहुत सा अन्य समझ लो कि कर्म उनके कट जाते थे, क्षमा हो जाता था। जैसे आप बहुत अच्छे हो, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, आप जीव की हत्या नहीं करते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं कि जो अनजान में आपसे मर जाते हैं। चलते समय चींटी दब जाती हैं, खेत में गुड़ाई कर रहे हो और कोई कीड़ा है उसके ऊपर फावड़ा लग गया और वो मर गया। ये औरतें सफाई करती हैं। बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं कि जो आँख से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब झाड़ू लगाओ तो वो उसमें मर जाते हैं। तो भाई पाप तो लगता ही लगता है। यानी आप समझ लो कि चाहे एक छोटे से बच्चे को मार दो तो वही सज़ा 302 की, यानी वही कत्ल की सज़ा, और एक बड़े आदमी को मार दो, एक गरीब को मार दो। जैसे यहाँ का ये नियम बना हुआ है, ऐसे कुदरत का, भगवान का भी नियम है कि तुम किसी की भी जीव हत्या करोगे तो उसका पाप तुमको लगेगा। तो आप जब ये जान अनजान के कर्म यानी जब ये इसकी सफाई होती रहती है, कर्म करते रहते हैं, तब तो अन्य समझो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब जब ये चीज़ भूल जाता है, रहना खाना और सुनना समझना, जब ये सब भूल जाता है और मतलब ये चीज़ रह जाती है कि खाओ पियो और मौज करो, यही जब आदमी अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो बहुत से बुरे कर्म बन जाते हैं। देखो एक बुरा कर्म हो गया, अब उसको छिपाने के लिए आदमी और बुरा कर्म करने लगता है। कानून में फंस गया तो अब उस कानून से निकलने के लिए कई बार कानून तोड़ना पड़ता है। यानी उसी तरह का अपराधी जीवन हो जाता है। एक अपराध हुआ और उससे बचने के लिए वो अपराधी प्रवृत्ति अपना लेता है। तो अब आप इस बात को समझो कि कर्मों की सजा वहाँ भोगनी पड़ती है। इस वक्त पर तो आप कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम है आपको कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारी अच्छाई बुराई को देख रहा है। उसको कभी धोखा नहीं दे सकते हो, उसकी आंख कभी कमज़ोर नहीं हो सकती है, उसके आंख में जाला माड़ा और रटौंडी कभी भी नहीं होती है, कभी भी मोतियाबिंद उसकी आंख में नहीं होता है। आपकी आंख में तो उम्र के अनुसार पर्दा पड़ जाता है, मैल आ जाती है, लेकिन उसकी आंख से आप कभी भी बच नहीं सकते हो। ऐसी व्यवस्था उसने बना रखी है। जैसे यहाँ इस धरती की व्यवस्था इंतजाम है कि जगह जगह पर रखवाले हैं, जगह जगह पर यानी आपके इलाज की व्यवस्था है, अस्पताल बना हुआ है, जगह जगह स्कूल बना हुआ है, जगह जगह पर लोग पौशाला और जगह जगह पर भंडारा यानी करके लोग खिलाते रहते हैं गरीबों को। जैसे यहाँ व्यवस्था है ऐसे वहाँ भी अन्य व्यवस्था है। तो अब आप ये समझो कि उसने ये व्यवस्था बना रखा है कि पैदा होते ही दोनों कंधों पर दो दूध को वो बैठा देता है और वो बराबर लिखते रहते हैं। और जब समय पूरा हो जाता है तो ये अपना कागज़, अपनी फाइल ले जा कर के पेश कर देते हैं। किसको? जो सबका इंसाफ करता है। कहा न, राम जरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। वो सबका मुजरा लेता है। कौन? यमराज। यानी जिसके भी अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, यानी समझ लो कुछ रहते हैं तो उसको जाना ही पड़ता है, जिसके कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। जो साधना करता है और साधक उन लोकों में से निकल जाता है, ऊपरी लोकों में जाने लगता है, उसके कर्म यानी अगर इस शरीर से बनते भी हैं तो जब वो ध्यान भजन करता है, जब वो साधना करता है, तो वो कर्म सब खत्म हो जाते हैं, वो सब जल जाते हैं, वो जलते रहते हैं। तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं होती। जो साधक सिद्ध होते हैं और जो संत सद्गुरु संत होते हैं उनके कर्म तो जलते जाते, उनको तो नहीं जाना पड़ता है। वो तो अपनी इच्छा अनुसार उधर अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, उनका आना जाना तो बराबर रहता है, उनके लिए तो दिक्कत नहीं होती है। और नहीं तो बाकी वहाँ पेश होने पड़ता है, तो पेश होना पड़ता है तो वो सबका हिसाब रखता है। जैसे अधिकारी के पेशकार होते हैं, पीए जिसको कहते हो, पीए के पास सारी फाइल होती है दफ्तर की, यानी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर साहब के सामने वो पेश करता है, तो साहब उस मुकदमे को निपटाता है, वो जजमेंट देता है जिसको आप कहते हो, निर्णय देता है। ऐसे उनके पेशकार हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त देख करके और फिर बता देते हैं, बहुत जल्दी बताते हैं, देर नहीं लगती, क्योंकि बहुत लोगों का हिसाब करना रहता है। बस वो फौरन सज़ा बोल देता है, और एक बार सज़ा बोल दिया तब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि यहाँ से लोअर कोर्ट से हार गए तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में अगर फांसी हो गई तो राष्ट्रपति के पास अपील कर दो, कहीं ना कहीं से कोई हिसाब बना लो, कोई बढ़िया वकील रख लो, बैरिस्टर रख लो, जज के पास सिफारिश लगा दो और अनी जान छूट जाए, फांसी की सज़ा हट जाए। तो यहाँ तो ये सब हो सकता है, लेकिन वहाँ न तो कोई वकील मिलता है, न कोई सेटिंग और शोर सिफारिश के लिए वहाँ कोई मिलता है। वहाँ तो एक बार जो निर्णय हो गया बस वही फाइनल माना जाता है। तो यमराज कहता है, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। अब आप ये समझो, खून के नर्क अलग, पेशाब के अलग, मवाद के अलग, संडास के अलग, मोर्दों के अलग, कांटों के अलग, सब अलग अलग नर्क हैं और कई हैं, और उसमें बहुत दिन तक रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। और वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो घोड़ा के शरीर, गधा के शरीर, मुर्गा के शरीर, भैंसा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। अब जान बचाते फिरो, इतने आदमी बैठे हो, एक सांप अगर उधर से आता हुआ दिखाई पड़े तो एक आदमी यहाँ नहीं रुकोगे, सब भगोगे और एक एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ोगे, क्योंकि सांप अगर काट लेगा तो कहते हो मर जाएंगे, जहर भरा हुआ है। लेकिन सांप जब आदमी को देखता है तो रास्ता बदल देता है, वो अपनी जान बचाता है, बिच्छू अपना जान बचाता है, शेर देखो इतना ताकतवर होता है, लेकिन शेर देखते ही हमला नहीं करता आदमी को कि देखते ही मारे, देखता है उसकी आंखों में कि कहीं हमारे ऊपर वार तो नहीं करने वाला है। जब पलक दबाता है आदमी तब मारता है, लेकिन मार कर तुरंत नहीं खाता है, मार करके ऐसे दूर खड़ा हो जाता है, देख लेता उठ तो नहीं रहा है, देख लेता उठ नहीं पा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तब धीरे धीरे जाता है और गला पकड़ करके और खींच करके ला करके दूसरी जगह रख देता है। खाता भी नहीं, बैठा देखता रहता है, देख लेता है, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, एकदम ढेर हो गया, समझ जाता है अब नहीं उठ सकता, कोई हमला हमारे ऊपर नहीं कर सकता है, तब जा करके खाता है। तो जान बचाते फिरते रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिला तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सब लोग 9 महीने लटके रहे माँ के पेट में। वो चीज़ अगर याद आ जाए, वो तकलीफ अगर याद आ जाए तो अभी तो एकदम से यानी भगवान के भजन में ही सब लोग लग जाओगे। तकलीफ जब आदमी को आती है, बुखार जब आता है और जब दस्त होने लगा, शरीर जब कमज़ोर पड़ा, तब याद करता है देखो भगवान को। थोड़ा सा निंदा अपमान हो जाता है ना, तो बस भगवान आप ही हो, आप और कोई मेरे नहीं, बस आप ही हो। पैसे की कमी हो गई, निर्धनता आई, गरीबी आ गई, तब भगवान को याद करते हो। अब आप ये समझो कि जब आदमी को खाने पहनने को दिक्कत नहीं रहती, मान सम्मान बना रहता है, तब उसको याद आता है। और अगर बराबर याद आता रहे और बराबर याद करता रहे तो कर्म के अनुसार, खराब कर्म के अनुसार यानी ये सजा मिलती है। तो सजा ही क्यों मिले? तो कहा ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, तो दुख काहे को हो। तो अब आप ये समझो कि 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है और किस हालत में रहना पड़ता है। जैसे दादूर पक्षी पेड़ों पर ऐसे उल्टा लटका रहता है, आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, पेड़ों पर एक पक्षी होता है जो उल्टा लटका रहता है, ऐसे ही माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। उस समय पर टट्टी पेशाब जिसको संडास कहते हो, यह सब मुंह के सामने ऐसे भरा हुआ रहता है और माँ के पेट की आग बराबर तपाती रहती है। कोई भी तीखी चीज़, खट्टी चीज़, तेज तर्राक चीज़ यानी माँ जब खा लेती है तो बच्चे को पेट में इस कदर लगता है कि छोड़ करके भाग जाएं, लेकिन जाएगा कहाँ, वो तो बंद है चारों तरफ से, निकल सकता नहीं वहाँ से, उसी में घूमता है। तो माँ कहती है कि बच्चा चलने लगा पेट में, जान आ गई। अरे जान आ नहीं गई, जान जा रही है उसकी, जान जाने लगती है तकलीफ में, तो तकलीफ होती है माँ के पेट में। ऐसे तकलीफ में थे उस वक्त पर, वो तो उसकी दया थी माँ के पेट में 9 महीने रहने के लिए, दया हो गई। दया हो जाती, कैसे दया होती ये भी बता दें। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये जीवात्मा इसमें डाली जाती है। बहुत पतला रास्ता है और ये जीवात्मा भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। एक ही जैसी जीवात्मा सबकी है, जो हमारे अंदर है वो भी, छोटे बच्चे के अंदर है वो भी, जो 8 फुट का शरीर वाला 1.5 कुंटल का है उसके भी, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर, मुर्गा, भैंसा, सब के अंदर यही जीवात्मा है। सजा भोगने के लिए उसमें डाली जाती है। वो छोटी बड़ी नहीं होती, वो जो बनाया है हिसाब से बनाया है। आदमी तो अपनी अकल लगाने लगता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन समझ में कब आता है, जब ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, सामने पड़ जाती है। सामने जब दिखाई पड़ जाती है तब समझता है। एक आदमी जा रहा था, तो पहले लोग पैदल चलते थे, तो चलते चलते थक जाते थे, तो पेड़ के नीचे बैठ जाते, आराम करते, लेट भी जाते थे, हवा लगती थी। तो एक आदमी गया, थका हुआ बैठा, उसके बारे से लेट गया। तो लेट गया तो देखा, कहा इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल, जामुन, जामुन जानते हो, बरसात में होता काला काला, खाते हैं जामुन को। तो जामुन का पेड़ था बड़ा ऊंचा, इतना इतना बड़ा फल था। तो उसने कहा देखो, कुदरत ने ना इंसाफ़ी किया, ठीक से नहीं बनाया। देखो इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल, और कद्दू, काशी फल जिसको कहते हो ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें कोई पेड़ नहीं होता, उसकी तो बेल होती है और उसी बेल में फल जाता है। तो बोला जिसका पेड़ भी नहीं और बेल में देखो इतना इतना बड़ा कद्दू फलता है, और ये इतना ऊँचा पेड़ और इसमें इतने छोटे छोटे ये फल, ये इंसाफ नहीं किया कुदरत ने, ये काम ठीक नहीं किया। यही सोच ही रहा था तब तक एक जामुन नाक के ऊपर गिरा, और जैसे नाक के ऊपर गिरा तैसे उठ के बैठ गया। बोला बिल्कुल सही किया, इंसाफ किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता ऊपर तो क्या हालत होती। बिल्कुल सही किया, छोटा फल बनाया बड़े पेड़ का, ऊंचे पेड़ का, बहुत अच्छा किया। तो उसने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया, सटीक। अब आदमी ना समझ पावे तो उसके लिए आदमी की यानी कमी मानी जाएगी। तो बहुत छोटी जीवात्मा और वो रास्ता भी बहुत छोटा पतला, वो किसी का बंद नहीं होता है। देखो माँ का खान पान जब गड़बड़ हो जाता है तो पलने वाले बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। देख लो आप, किसी की एक उंगली छोटी हो गई, किसी का एक कान नहीं बन पाया, किसी का सिर बड़ा हो गया, किसी का पैर छोटा हो गया, किसी की एक उंगली और निकल गई। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खान पान, विचार, व्यवहार, आहार विहार जिसको कहते हैं, उसमें कमी आ गई। कोई बात की, इसीलिए तो ये माताएं समझाती रहती हैं बहुओं को कि देख अब तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तू ये गर्म चीज़ मत खाना, अब तो बहुत संभल के रहना, पुरुष से दूर रहना, अब तो जो है वो ग्रहण लगने वाला है, किरणें तेरे ऊपर पड़ने न पाऊँ। बहुत अनुभव। अब आजकल की बहुएं जो आती हैं वो उनको कुछ समझती नहीं है, लेकिन जीवन का बड़ा अनुभव उनको होता है। माताओं को, बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है। अब आपको बता दूँ, कोई MBBS, MS यानी डॉक्टरी पढ़ के लड़की आई तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तो अपना ऑपरेशन कर पाएगी। लेकिन वो जो सास है अनपढ़ है जिसको गंवार कहते हो, बड़े आराम से बच्चे को पैदा करा देती है। तो बड़ा अनुभव होता है जीवन का। तो अब आप इस बात को समझो कि हाथ पैर आँख कान तो छोटा हो सकता है लेकिन वो जीवात्मा छोटी नहीं हो सकती। अब एक चीज़ आपको और बता दें, एक ही बाप और माँ के दो बेटा, लेकिन कहते हैं कि इसका दिमाग तेज है और इसका मंद बुद्धि है, इसका दिमाग कमज़ोर है, काम नहीं करता। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जो माताएं साधन भजन करती रहती हैं, जो मालिक को याद करती रहती हैं, सच्चाई ईमानदारी रहती है, जिनमें जिनमें सेवा भाव रहता है, उनके बच्चे तो पेट में बढ़िया से पल करके और बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। और जिनकी भावना कलुषित रहती, जो हमेशा दूसरे की बुराई ही सोचती रहती, ईर्ष्या द्वेष छल कपट जिनके अंदर रहता है, जिनको मालिक भगवान एक मिनट के लिए याद नहीं आता, बस बढ़िया से बढ़िया खाने और सैर करने में ही दिल दिमाग रहता है, उनके बच्चे वो बच्चे अच्छे नहीं होते। एक ही तरह का रज और बीज, एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे और दोनों का दिल दिमाग बुद्धि अलग। तो मोटी बात आपको बताऊंगा, मोटी मोटी बात बताऊंगा। इधर हमको जुकाम हो गया, कल ही हो गया था, आज दूसरा दिन है, कल ठीक होगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात बताऊंगा, लेकिन आपको सब बातें जो बता रहा हूँ ये आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। इनको अगर आप पकड़ोगे तो आप जब तक यहाँ रहोगे तो सुखी जीवन बिताओगे, और जब दुनिया संसार से जाओगे तो अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास पहुँच जाओगे। अपना घर अपना वतन अपना मालिक कहाँ है? जहाँ से ये जीवात्मा आई है, यहाँ नीचे उतारी गई है। और ये घर जिसको बाप दादा कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, तो सोचो उनका नहीं हुआ आपका कैसे होगा? तो ये घर आपका नहीं है, यह दुनिया और दुनिया की चीज़ें आपकी हैं ही नहीं। ये बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती, ये कुछ समय के लिए आपको मिली हैं। यह शरीर भी कुछ समय के लिए मिला है, और यह धन दौलत रुपया पैसा इसीलिए मिला कि आप इसका उपयोग ठीक ढंग से कर लो, आप अपने शरीर का पालन पोषण कर लो, आप अन्य समझ लो कि अन्य कुछ परमार्थ कर लो, कुछ वहाँ के लिए भी कमाई कर लो। इसीलिए यह धन दौलत और यह विद्या और ये मान प्रतिष्ठा आपको दी जाती है। तो आपको मैं बता रहा था कि 9 महीने अब 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा इसमें प्रवेश कर दी जाती है। तो उस समय पर मालिक का दर्शन होता है। तो दर्शन जब होता रहता है तब खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। देखो, प्रेम मुख्य चीज़ होती है। प्रेम जब उस मालिक से हो जाता है तो यानी नरम गरम कैसे भी हो यानी उसको आदमी बर्दाश्त कर लेता है। तो जब देखता है तब प्रेम होता है, ऐसे प्रेम नहीं होता है, दूर दूर से प्रेम नहीं होता है, जब देखता है तब प्रेम होता है। तो मालिक तो हमेशा प्रेम करता रहता है, क्योंकि वो तो सबको देखता है, जितने भी जीव हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब उसी के हैं। कहा ना, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया उसकी है। लेकिन अब वो दया ना देखने की वजह से आदमी ले नहीं पाता है। जैसा सूरज निकला है और आप छाया में बैठे हो, अब आपको सूरज हमको गर्मी नहीं दे रहा है, रोशनी नहीं दे रहा है, तो आपकी कमी है ना कि सूरज की कमी है। ऐसे ही वो सब पर दया करता है। अब जब आप यहाँ से छाया से उठकर धूप में बैठ जाओगे तो सूरज को आप देखने लगोगे। ऐसे ही यानी जब माँ के पेट में बच्चा मालिक को जब देखता है तो मालिक से प्रेम हो जाता है। तो जब प्रेम हो जाता है तब वो जो तकलीफ़ है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। देखो, कोई लड़की ऐसी होती है कि जिसका समझ लो कि रिश्ता होता हो जाता है, लेना देना हो जाता है, किसी जन्म का होता है, और वो लेना देना अदा करने के लिए, कर्म के कर्जों को अदा करने के लिए अच्छे घर संपन्न घर की लड़की गरीब घर में चली जाती है, वहाँ शादी हो जाती है, वहाँ का रहना सहना खाना पीना उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन पति का प्रेम उसको मिलता है, परिवार वालों का प्रेम मिलता है, तो वो अन्य दुख भी जो होता है शरीर को उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। उसी तरह से इस जीवात्मा को माँ के पेट में जब मालिक का दर्शन होता है तो वो जो गर्मी ठंडी है और वह उसको बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन माँ के पेट में बच्चे को अपने पूर्व जन्म की याद आती है, सब दिखाई पड़ता है, वहाँ पर्दा हटा रहता है। पर्दा अगर लगा दिया जाए तो हम आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते हो, पर्दा हटा हुआ है तो दिखाई पड़ता है। ऐसे सामने सामने ऐसे ही सब जगह कण कण में वो मालिक विद्यमान है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। मालिक सब जगह है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप इधर उधर भटकते रहते हो। किसी ने कहा अयोध्या चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, अयोध्या चले जाते, अयोध्या वाले कहते काशी चले जाओ वहाँ मिलेंगे, काशी वाले कहते द्वारिका धाम जाओ वहाँ मिलेंगे। बस ऐसे भटकते रहते हो। जिसने देखा और कहा कि मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे में ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। तो जिन्होंने कहा और उनके पास जो पहुँच गए और उन्होंने तरीका बता दिया, अब वो अंदर में जब देखने लग गए तो उनका भ्रम दूर हो गया, संशय खत्म हो गया और उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया। ऐसे ही आप ये समझो कि उस वक्त पर माँ के पेट में पहले कौन से अनियोनी में थे, कुत्ता थे कि बिल्ली थे कि कीड़ा थे कि मकोड़ा थे, कहाँ कब किस जगह पर मारे गए, कहाँ पर रोए, कभी रोटी नहीं मिली तो कभी किसी ने छीन लिया कपड़ा, कभी डकैती हो गई तो कितने दिन तक नरकों में पड़े रहे, वो सब दिखाई पड़ता है। पर्दा हटा रहता है तो खुद देखो तो दिखाई पड़ता था, दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तो जब देखता है कि देखो हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अब देखो हम सड़ाए जा रहे हैं और इस तरह से हमको तकलीफ हो रही है, तब रोता है कि कहीं ऐसा ना हो फिर हमको उधर ही जाना पड़ जाए। उस समय पर यानी पूरा ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं। और यह भी पूरा ज्ञान रहता है कि केवल संत सद्गुरु ही वो रास्ता जानते हैं और वो रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलाते हैं और पार किया करते हैं। तो बराबर जीव प्रार्थना करता है माँ के पेट में कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, दिन रात हमेशा। देखो जब इस चीज़ का ज्ञान हो गया आदमी को कि भाई ये चीज़ नीरस है और ये चीज़ हमको फंसाने वाली है और यहाँ पर हमको तकलीफ होने वाली है, तो वहाँ से वो हट जाता है, वहाँ पर कोई रहना पसंद करता है। देखो यानी वही चीज़ आदमी को अच्छी लगती है और वही चीज़ वो उसको छूना नहीं चाहता है। यानी समझ लो कि आदमी को किसी को यानी किसी ने खा लिया, ज़्यादा खा लिया और पलटी हो गई, और पलटी जब हो गई तो उसको देखना चाहेगा, देखना नहीं पसंद करता, खाने की बात तो छोड़ो। एक फकीर ने बताया, कहा कि देखो मन को इस तरह से यानी मन को इस तरह दबाया जाता है, जो मन इस समय बहुत भग रहा है उसको किस तरह दबाया जाता है। तो कहा कि मन उसका भी विचलित होता रहता था, फकीरी में भी मन विचलित होता है। आदमी तो सोचता है करें लेकिन ये मन चंचल हो जाता है तो करने देता है। तो खूब खीर खिलाया, अब खीर खिलाया तो मन खाता चला गया, कहा और खा और खा, खूब खिलाया, अब खिलाया तो यहाँ तक पहुँच गया, तो कहाँ जगह ही नहीं अंदर रहेगी तो बाहर निकलेगा, और वो बाहर निकलेगा तो नीचे से तो जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है कि वो पचेगा तब निकलेगा, तो बाहर से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, जिधर से गया उधर से निकलेगा। तो अब आप यह समझो कि पलटी हो गई, तो पलटी हो गई तब कहता है कि और खा, और खाया फिर पलटी हो गई, तब कहता है पलटी खा, ये जो पलटी हो गई इसको तू खा, अब मन तू इसको खा। तो पलटी वाला तो खाया नहीं, बस उसी दिन से मन हट गया, खीर से बिल्कुल हट ही गया। तो अब आप समझो कि बराबर यानी जब वो देखता है तकलीफ़ों को तब प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो और हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता लेकर के, और दिन रात भजन करेंगे। अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे हमको दोबारा माँ के पेट रूपी नर्क में आना पड़े। वहाँ भी तो नर्क ही जैसा जीवन रहता है, माँ के पेट में कोई आराम थोड़ा रहता है। जितना आराम यहाँ बाहर है आपके शरीर को, हो उतना आराम वहाँ थोड़ा है, वहाँ तो लटके रहो ऐसे। तो अब आप समझो, बाहर जब आता है बच्चा तो रोता हुआ पैदा होता है। आज तक कोई हंसता हुआ मुस्कराता हुआ पैदा हुआ? कोई नहीं, सारे बच्चे रोते हैं। और रोए ना तो बच्चा जिंदा ना रहे, मर जाएगा। सब बच्चे रोते हैं। अब रोते क्यों हैं ये किसी को पता चलता है? वो हाथ से पैर से इशारा करता है या मुंह से जो बोलता है चिल्लाता है, कोई उसको समझ पाता है? आप अगर किसी के सामने ऐसे हाथ करो तो पानी पिला देगा, कहेगा प्यासा है। ऐसे ऐसे करोगे तो कहेगा भूखा है, कुछ खिला दो। आप मराठी में रो कुछ कहो या कोई मध्य प्रदेश का हो उसमें कहे, या बिहार का हो अपनी बोली में बोले, या बंगाल का हो अपनी बोली में बोले, और रोवे तो रोने की आवाज़ समझ करके दूसरा कोई दौड़ पड़ेगा, उसकी बोली समझ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना और हाथ पैर का इशारा कोई समझ पाता है? नहीं समझ पाता। तो कहते हैं बहुत रो रहा है बच्चा, ले चलो अब डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर चुप करेगा, बड़ी तकलीफ है इसके शरीर में। अब डॉक्टर कैसे चुप करता है? लगा देता है इंजेक्शन। किसका? नींद का। बच्चा सो जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन छोटे से कोमल शरीर में, और जो धीरे धीरे यानी समझ लो कि उसके बढ़ने का और धीरे धीरे उसके यानी यहाँ सेट होने का जो सिस्टम होता है, उसमें इतना बाधा डालता है कि छोटे बच्चे का इलाज जिसका बचपन में शुरू हो जाता है, पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। तो अब रोता क्यों है ये बता दें आपको। जब बाहर निकलता है तो जिस रास्ते से उस मालिक का दर्शन होता है वो रास्ता बंद हो जाता है। और ये माया का देश है ना, माया का पसारा है। यहाँ पर जहाँ तक दृष्टि जाती है सब माया का है। और काल, काल का देश बताएगा, काल का है। यह काल का देश और माया का देश होता है। तो पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है तो दर्शन होना बंद हो जाता है। तब जब दर्शन होना बंद हो जाता है तब चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, तब चिल्लाता है। देखो बच्चा जब दांत निकलने लगता है, दांत जब दांत निकलने लगता है तब उसकी आवाज़ बढ़िया आती है। दांत गिर जाता है बुढ़ापे में तो दांत गिर जाता है तो तुतली आवाज़ हो जाती है, सुरीली साफ आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। और जब दांत निकलने लगता है तब बच्चा बढ़िया साफ बोलता है। अब दांत भी कुदरत नहीं बनाती है शुरू से, क्योंकि ये जीव है ना, अब ये 32 दांतों के बीच में रहती है। हाँ, तो जानकारी में तो आप जब खाते पीते हो तो उसको बचाते हो जीव को, और बचपन से ही अगर दांत हो जाए तो समझ लो तो जीव रोज अभी कटा करेगी, तो दबते दबते कटते कटते खत्म हो जाएगी। बड़े होते होते ये इसका कोई रह ही नहीं जाएगा अस्तित्व। तो इसलिए कुदरत की जो बनावट है वो बिल्कुल सही एक ढंग से वो बनाता है। तो अब आप ये समझो कि बच्चा यानी समझ लो चिल्लाता है, ठीक से नहीं बोल पाता, दांत हो और आदमी जैसा यानी समझ लो उसके अंदर हो तो बोले वो, तो इसी तरह से वो नहीं बोल पाता, अपनी भाषा में बोलता है जैसा बोल पाता है उसी तरह से अपनी भाषा में बोलता है, रोता है, चिल्लाता है, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ। यह समझ में आता है कहाँ 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 बोल रहा है, कहाँ कहाँ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि चूँकि नंगा पैदा होता है तो यह हवा, गर्मी और ठंडी नंगे बदन पर उसके माँ के अंदर, पेट के अंदर बड़ी मुलायमियत है। यह बाहर की चमड़ी उतनी मुलायम नहीं है जितनी अंदर की है। इसी खाल को आप यानी ऐसे पलट दो तो अंदर का काफ़ी मुलायम मिलेगा। तो माँ का पेट तो बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, तो वहाँ पर रहता है। अब यह गर्मी ठंडी और ये इस कदर लगती है बदन में कि मालूम पड़ता है कोई सैकड़ों सुई चुभो रहा है। तो देखो मोटी मोटी बात बताऊंगा, यह रोने धोने का संसार है और रोने रोने में ही यह समय निकल जाता है, दुख में ही यह संसार बीत जाता है और आदमी को होश नहीं आता। पैदा हुआ तब रोया, दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोया, पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तब रोया, शादी नहीं हुई तब रोया और शादी हो गई तब रो रहे, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो रो रहे कि बच्चा एक कहीं से हो जाए, और चार बच्चे अगर हो गए तो उनसे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार बच्चे चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो तब भी रोना धोना, बुढ़ापा तक रोना धोना, होश आ रहा है। कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं, जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं कि आ गया बेचारे के साथ सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई, हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, शमशान घाट पर यहाँ तो सबको आना पड़ेगा, यह मरघट है मरघट, यह सबको बुलाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, सब कुछ यहीं के लिए करने में सब लोग लगे हुए। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो सही है, क्योंकि शमशान घाट पर हर तरह के लोग जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, नौजवान भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, जिसका जैसा रिश्ता होता है उस हिसाब से लोग जाते ही जाते हैं। तो अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बन नहीं पाया, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, नौकरी काम कुछ नहीं, खेती भी ऐसे ही सब है, हमारी गृहस्थी सेट हो जाए। फिर तो बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं भाई, न कुछ लेकर के कोई आया है न कुछ लेकर जाएगा, सब यहीं छोड़ कर चला जाना पड़ेगा। और खाने पीने मौज मस्ती में समय निकल गया तो फिर नर्क चौरासी में जाना पड़ेगा। बात तो सब सही कह रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी कैसे क्या करूं को समझ नहीं आ रहा, तो चलो सबसे पहले गृहस्थी ही सेट कर लिया जाए। तो आप इतने आदमी बैठे हो, किसी की गृहस्थी आज तक सेट हुई? किसी की नहीं हुई। खाने की दिक्कत नहीं है, पहनने की दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमारी साथ नहीं छोड़ रही। इतने आदमी आप बैठे हो, कोई ये कह दो कि हम बीमार नहीं पड़े, कोई कह दो हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, तो सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा, सबसे बड़ा झूठ कि कोई बीमार नहीं पड़ा। और कुछ घर तो ऐसे हैं, इसी में आप लोग जो बैठे हो, कि जिसके घर में, जिनके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है, और आप अगर न बताओ तो मैं बता दूंगा, एक नहीं दो चार छः को बता दूंगा कि इनके घर में रोज कोई ना कोई बीमार रहता है। एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया, तीसरा बीमार हो गया। यह जो कमाते हैं उसका ज़्यादा पैसा दूध घी में खर्च होने के बजाय और सब दवा में चला जाता है। तो अब आप ये समझो कि यानी ये कोई कहे, ये अगर आप कहो कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा। कुछ घर तो ऐसे हैं जिसमें रोज कुछ कुछ लगा रहता है, और रोज कभी सास बहू लड़ रही तो कभी भाई भाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है बुजुर्गों में, और मतलब यह है कि जवानों में तो बच्चे ही लड़ जा रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कोई वहाँ गिर रहा है, कोई पड़ रहा है। तो दुखों का संसार, गृहस्थी कभी सेट नहीं हुई। अब उसका कारण क्या है? गृहस्थी को सेट करना समझ नहीं पाए कि गृहस्थी कैसे सेट की जाती है। तो गृहस्थी सेट करने का होता है तरीका। तरीका ये होता है कि भाई जब मनुष्य शरीर यह भगवान का बनाया हुआ मंदिर है तो इसको गंदा मत करो। गंदा करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो तो कबूल नहीं होता है। जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, अब उस मंदिर में अगर कोई जाए मुर्दा मांस डाल दे, टट्टी पेशाब डाल दे तो कोई पूजा करोगे? नहीं करोगे। मस्जिद में अगर यही चीज़ डाल दी जाए तो कोई वहाँ नमाज पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। गुरुद्वारा में डाल दिया जाए तो वहाँ कोई गुरु ग्रंथ का पाठ नहीं करे, कहेंगे सफाई करो। ऐसे ये मानव मंदिर है, इसके अंदर आप गंदी चीज़ डाल लेते हो, मांस डाल लेते हो, मछली अंडा, ये गंदी चीज़ें आप डाल लेते हो तो आपका यानी पूजा पाठ भी करते हो तो वो कबूल नहीं होता। आपके कर्म करते नहीं, वो मालिक खुश होता नहीं आपके ऊपर, तो आपकी परेशानी बराबर बनी रहती है। दूसरा कारण क्या है कि उसी से खून बनता है, जैसा चीज़ खाओ उससे खून बनता है। कोई गरिष्ठ चीज़ आप खा लेते हो, गरिष्ठ चीज़ जो जल्दी हजम होने वाली चीज़ नहीं है तो उससे गैस बनता है, और गैस बनता है दिमाग पर चढ़ता है तो कह लो बुद्धि काम नहीं कर रही है। तब कहाँ जाते हो? डॉक्टर के यहाँ। तो बांधता है पट्टा हाथ में, ऐसे ऐसे दबाता है तो कहता अरे तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर, खून का दौरा तेज हो गया। तो खून उसी से तो बना, और खून के ऊपर उसी का तो असर पड़ा, और उसका असर बुद्धि दिल दिमाग पर पड़ा। तो ये जब शाकाहारी भोजन के लिए शरीर उस मालिक ने बनाया और इसके अंदर आप ऐसी गंदी चीज़ों को डाल लेते हो तो दिल दिमाग बुद्धि काम नहीं करती, शरीर रोगी हो जाता है, शरीर का खून बेमेल हो जाता है। तो दवा भी जल्दी फायदा नहीं करती है। दवा एक खाते हो और एक मर जाता है और दूसरा मर्ज फिर उभर करके आ जाता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। यानी समझ लो कि दवा भी खाते जाते और तकलीफ भी नहीं जाती है। अब इस कदर कुछ लोगों की आदत बन गई कि रोटी के साथ ही टेबल पर दवाई भी औरतें रख देती हैं टेबल के ऊपर, और रोटी खाए, खाना खाए, उसके बाद दवाई खाए। दवाई की एक समझ लो कि एक दवाई एक खुराक बन गया। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि यह मशीन यानी गड़बड़ हो गया, मशीन गड़बड़ हो गई है। यह जो मशीन है जो बढ़िया खून, शुद्ध खून बनाने वाली, जिससे दिल दिमाग सही रहने वाला, वो मशीन गड़बड़ हो गई, इसलिए दिक्कत आ गई। बुद्धि खराब इसीलिए तो हो जाती है, खून कतल आदमी कर बैठता है। इसीलिए कहते हैं खून खोल रहा है, अब खून खोल गया, खून में गर्मी आ गई ऐसी चीज़ों के खाने से, यानी समझ लो नशे की चीज़ों के सेवन करने से। नशे में जब आदमी आ जाता है, शराब पी लेता है, बुद्धि जब उसकी खराब हो जाती है तब उसको कोई पहचान रह जाती है, माँ बहन बहू की पहचान रह जाती है। चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, बेटी का हाथ पकड़ लेता है, होश में नहीं रहता एक तरह से। तो समझ लो कि यह यानी यह जो है सिस्टम आदमी का बिगड़ जाता है। गृहस्थ आश्रम में सुखी जीवन बिताने का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए समझाया जाता है कि भाई शाकाहारी रहो और नशे, ऐसे नशे का सेवन न करो कि जिससे बुद्धि यानी भ्रष्ट हो जाए। भाई इसीलिए समझाया जाता है कि जो तुम ये चीज़ समझते हो अपने जबान के स्वाद में कि देवी हमसे खुश हो जाएंगी और बकरा काट करके हम चढ़ा देंगे और फिर उसको पका करके खा जाएंगे, और मुर्गा चढ़ा देंगे, भैंसा चढ़ा देंगे देवी के मूर्ति के सामने और फिर उसको पका करके खा जाएंगे, जबान के स्वाद के लिए जो ऐसा करते हो बहुत बड़ा पाप करते हो, बहुत बड़ा। अब अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो गया। अच्छे बुरे का ज्ञान कब रहता है? जब शाकाहारी सदाचारी रहता है आदमी। देखो जानवर खाते हैं, क्या खाते हैं? जानवर कुछ ऐसे बनाए गए जो मांस खाते हैं, लेकिन उनको कोई ज्ञान रहता है? उनको कोई माँ बहन बहू बेटी की पहचान रहती है? जानवरों को कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसे ही जब ज्ञान नहीं हो तो होगा आदमी को तो गृहस्थ आश्रम ये कैसे सुलझेगा, ये गृहस्थी कैसे सुलझेगी? आज भाई इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे रहा जाए, कैसे खाना पीना किया जाए, कैसे क्या किया जाए। देखो जानवर तो भी समझते हैं, जानवर तो भी समझते हैं, कैसे ये भी बता दें। कोई कुत्ता है, उसका पेट भरा हुआ है और उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाने के लिए डालो, पूरी मिठाई, तो पेट भरा है तो खाएगा नहीं, सूंघेगा और उठा करके ले जाएगा और कहीं छुपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। और आदमी खा पी करके पेट भर के बैठा है और बढ़िया रसगुल्ला या काला जाम ला करके प्लेट में रख दो तो मन नहीं मानेगा, कहेगा लाओ एक ठो खा ले। एक खाएगा तो दो तीन चार दबा जाएगा। अब कोई संयम है आदमी को? अरे कोई संयम नहीं, बस मन को जो चीज़ भा गई बस खाते चले जाओ। अरे बहुत से लोग तो समझ लो खाने के लिए ही जीते हैं। अरे एक तो जीता है समझ लो खाने के लिए, एक जीता है, एक खाने के लिए जीता है, एक जीतने के लिए खाता है, तो कुछ तो जीने के लिए खाते हैं, थोड़ा खाना ना मरना ना मोटाना। और कुछ ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। देखो कुत्ता साल में एक बार यानी पगलाता है, एक महीना उसका ऐसा आता है और आदमी को हमेशा पागलपन सवार है। तो कहने का मतलब यह है कि तरीका लोगों को नहीं मालूम है गृहस्थी सेट करने का। गृहस्थी में सुख शांति लाने का तरीका लोगों को नहीं मालूम है। अब आप ये समझो कि भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब लोग फंस रहे हैं, कैसे? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी कूद पड़ती है, भर पेट शहद खाती है लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं। ऐसे ही पंख फंस रहा है, ऐसे ही। अब ये तरीका अगर अपना लिया जाए कि पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, तो कभी झगड़ा होगा गृहस्थाश्रम में? कभी नहीं होगा। सास और बहू अक्सर लड़ती रहती। अब अगर सास को गुस्सा आवे और बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, तो झगड़ा नहीं हो सकता है। नारद का काम क्या था? झगड़ा लगाने का। तो एक दिन नारद जी जा रहे थे तो गांव के लड़कों ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी बहुत बड़ी महिमा है, आपका बड़ा नाम है। तो बोले बात क्या कहना चाहते हो तुम लोग, कहो तो लड़कों ने कहा कि हमारे गांव में एक सास और बहू रहती, उनमें कभी नहीं झगड़ा हुआ है, तो प्रभु आपकी दया उनके ऊपर भी हो जाए। बोले अच्छा तो चलो चलो, थपोड़ी बजा के हंसने के लिए उनके घर के पास तुम पहुंच जाओ, अभी झगड़ा लगाता हूं। तो नारद जी ने देखा उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो जीवात्मा बैठी हुई है, इस शरीर को चलाती है, एक दृष्टि उसमें भी है, एक आँख, दो आँख बाहर, एक उसमें। तो वो जब खुल जाती है तो बहुत सब दिखाई पड़ता, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता सब सामने दिखते हैं। तो उन्होंने देखा तो कहा कि मौका बहुत अच्छा है, सास तो नीचे खड़ी है और बहू नसैनी के ऊपर चढ़ करके आचार का मटका उतार रही है। मटके होते थे मिट्टी के पहले के समय में, तो उसमें आचार ऐसे ऊपर रख दिया जाता था, जब ज़रूरत पड़ती थी तो उतार लेते, निकाल लेते थे। तो नसैनी पर चढ़ करके बहू और मटका उतार रही थी। तो नारद ने कहा मौका अच्छा है, गण को भेजो और मटका वो नीचे गिरा देगा। बस जैसे मटका टूटेगा तैसे कुत्तों की तरह दोनों लड़ने लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। भेज दिया उन्होंने, गण को भेजा और गण ने मटका ढकेल दिया। मटका जब नीचे गिरा तो सास कहती है, बेटी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं मटका पकड़ नहीं पाई। और बहू सीढ़ी पर से उतर के आई और सास के चरणों पर गिर गई, बोली मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं मटका पकड़ा नहीं पाई। अब बहू कह रही मेरे से गलती हो गई और सास कह रही मेरे से गलती हो गई। नारद दरवाजे के सामने खड़े देख रहे हैं, कह रहे हैं अब कौन सा फार्मूला लागू करूं झगड़ा कराने का। आप कैसे झगड़ा होगा इनमें। तो फिर नारद गए, दोनों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले न तुम्हारी गलती है और न इनकी गलती है, गलती तो मेरी है कि मैंने तो तुम्हारे दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश किया। तो कहा ना कि छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगे, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और सीटी चावल ले चली हाथी मस्तक धूल। देखो हाथी इतना बड़ा होता है और हाथी के सिर पर धूल आता है, और धूल में अगर चीनी मिला दो तो हाथी नहीं निकाल पाएगा, और चीटी छोटी होती है निकाल लेगी। आप जिस ज़मीन पर बैठते हो धूप घास इसमें उगती है, वो हमेशा हरी रहती है, और बड़ी बड़ी जितनी घास होती हैं जब मई जून का महीना आता है तो सब जल जाती हैं। इसीलिए कहा नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। कोई कितना भी अकड़ के कौन चलता हो लेकिन उसका पैर छू लो, ऐसे पैर पर गिर जाओ, कितना भी नाराज हो और कितना अकड़ के चलता हो, पैर पकड़ लो उसका, झुक जाओ ऐसे, तो ऐसे झुक करके उठाता है, झुक करके वो भी झुक जाता है। कहा उसने, बुद्ध ने हम किसी को नहीं डरते हैं। तो उसने कहा अरे काका डरते क्यों नहीं हो, उनके पास बंदूक है, नाराज हो जाए तो अभी शूट कर देंगे। अरे कहा उनके पास 2 नली की है और हमारे पास 10 नली की है। कहा 10 नली की? हाँ 10 नली की है, हमेशा रखता हूँ अपने साथ, 24 घंटा मेरे पास बंदूक रहती है। तो कहा तुम तो बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं पहने हो, खाली धोती पहने बैठे हो, तुम रखे कहाँ हो 10 नली की बंदूक, बताओ तो। तब कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली और ये 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली ये, और 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सिर झुका देते हैं। तो भाई ये तरीका अगर आप अपना लो तो यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा हो जाए। आप ये समझ लो कि आपकी गृहस्थी ये सेट हो जाए। अब आप ये देखो हमारे साथ हजारों आदमी चल रहे हैं, काफिला इनका चल रहा है, ये अपनी अपनी गाड़ियाँ अपना तेल, गुरु महाराज यानी इनको बरकत देते हैं। कोई इसके लिए अलग से कमाई करके ये नहीं लाए हैं कि हम काफिले में खर्चा करेंगे या काफिले की गाड़ी हम खरीदेंगे, लेकिन जो कमाई इनकी होती है नौकरी में से ही बच गया और व्यापार में से ही बरकत हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो इन्होंने गाड़ी खरीद लिया और तेल भी अपना डाल रहे हैं और सब व्यवस्था बना रखा है इन्होंने, और घर का भी सब काम चलता रहता है। तो अब इसी तरह से गृहस्थी सेट हो जाती है। और नहीं तो गृहस्थी में यानी समझ लो कि जूता लात चलता है और मार काट होता रहता है, खून कतल सब हो जा रहा है। तो भाई ये बात आप समझो कि गृहस्थी को सेट करना सीख जाओ तो सेट हो जाए, और नहीं तो गृहस्थी सेट जल्दी होती ही नहीं है और इसी में जीवन खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है कि जैसे अभी शाम होगी तो तारे निकल आएंगे रात को, अब देखते रहो तारों को तो सुबह देखते देखते वो छिप जाएंगे। पानी बरसता है, पानी में बूंदे गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मानो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सारा अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी का ज्ञान सब खत्म हो जाता है। आखिरी वक्त पर कोई विद्या बुद्धि बल काम आता है, कोई धन दौलत रुपया पैसा काम आता है, और फिर यह जीवात्मा जैसा मैंने आपको बताया कि कर्मों के अनुसार नरक 84 में डाल दी जाती है, भटकती रहती है। तो अब यह बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब मनुष्य शरीर दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं, और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिलेगा तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे आपकी जीवात्मा का कल्याण हो पावे। आप जन्मत मरत दुसा दुख हुई, जन्मते और मरते की पीड़ा को आप यानी उससे बच पाओ। इसलिए जो भी समय आपका बचा है जीवन का, उसमें यानी यहाँ भी सेट करो और वहाँ के लिए भी आप सेट कर लो, कुछ वहाँ के लिए भी अपनी जगह बना लो, वहाँ भी आना जाना शुरू कर दो, वहाँ भी यानी ऊपरी लोकों में भी इसी शरीर से आप आना जाना शुरू कर सकते हो। जब चाहो चले जाओ, जब चाहो चले आओ, वो रास्ता आपके इसी शरीर के अंदर है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। लेकिन अब वो कर्मों के अनुसार बंद हो गया, मोटा पर्दा लग गया, वो पर्दा अगर हट जाए तो अभी आने जाने में देर लगती है। पल में परलय होता है, पल भर में लय हो जाओ, निकल जाओ, ऊपरी लोगों में घूमते रहो, फिर इसमें चले आओ। जो परिवार का एक दूसरे का लेना देना, जिसको कर्म कर्जा कहते हो, कर्म कर्जा भी आप अदा कर लो, और जब समय आपका पूरा हो जाए तब आप अपने मालिक, अपने वतन, अपने घर पहुंच जाओ, जहाँ से फिर नीचे उतरना नहीं रहता है। जो सुख का सागर है, जहाँ कोई रोना धोना नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ रात होती ही नहीं है, जहाँ उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश स्वरूप दिन राति, वहाँ पहुँच जाओ, तो वो रास्ता आपको बताया जाएगा। यह रास्ता कौन बतलाता है? जो जानकार होता है। अलग अलग यानी जानकारी होती है लोगों की। जैसे मास्टर जी लोग होते हैं, तो मास्टर जी 5 दर्जा भी पढ़ाते हैं, 8 भी पढ़ाते हैं, 10 भी पढ़ाते हैं। अब 5 वाले से कहो कि यानी 10 दर्जे के लड़के को पढ़ा दो, तो वो नहीं पढ़ा सकते, उनकी जानकारी अलग अलग होती है। ऐसे ही गुरु होते हैं, जिनको जहाँ तक की जानकारी होती है वो बताते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो लोक की भी जानकारी कराते हैं और परलोक की भी कराते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ये नहीं, गुरु महाराज की यह तस्वीर है। तस्वीर अलग होती है, मूर्ति अलग होती है, और उनका रूप अलग होता है बाहर से, और रूप होता है अंदर में भी उनका रूप होता है। वो शब्द रूपी होते हैं, तो शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो भी अंदर में मिलते हैं, अंदर में ही यानी वो बताते हैं ज्ञान, अंदर में भी ज्ञान कराते हैं, बताते रहते हैं। जैसे बाहर ज्ञान कराते हैं गुरु होते हैं, ऐसे अंदर में भी होते हैं। तो लोग उनके यादगार में यानी आप समझ लो कि मूर्ति बनाते थे। जिन्होंने यहाँ इस धरती पर अच्छा काम किया, जिनको लोगों ने भगवान माना, उनकी मूर्ति बना दिया। जो गुरु आए अच्छे, जो यानी उनकी लोगों ने मूर्ति बना दिया, और जब कैमरा चल गया तो फोटो खींच गया। अब बहुत से लोगों की सोच ये बन गई कि मूर्ति को हम प्रसाद चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, फोटो को ही हम अगरबत्ती दिखा देंगे, दीपक जला देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, तो हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। यह तो देखा देखी है और ये लोगों का भ्रम है। उससे प्रेम पैदा होता है, फोटो देखने से प्रेम पैदा होता है, श्रद्धा जगती है, भक्ति आदमी की बढ़ती है, लेकिन कहो मुक्ति और मोक्ष हो जाए तो ये नहीं हो सकता है। तो ये हमारे गुरु महाराज का फोटो है। गुरु महाराज हमारे पूरे सदगुरु थे, और गुरु महाराज ने लोगों का, बहुत से लोगों का लोक भी बनाया और परलोक भी बनाया। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहो, पत्नी पति बता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, लोग गृहस्थाश्रम में रह करके सुखी जीवन बिता सकें, बिताएं, तो वो लोक बनना होता है। और परलोक बनना किसको कहते हैं? आप जहाँ रहते हो मृत लोक है, इसके ऊपर स्वर्ग है, वैकुंठ है, उसके ऊपर भी लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, आगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जो वो दिखा दें, तो गुरु महाराज हमारे दोनों दिखाते हैं, दोनों ज्ञान यानी कराए लोगों को, तो बताया लोगों को। छोटे छोटे लोग संपन्न हो गए, लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया, समस्याएं लोगों की खत्म हुई, घर में शांति भी हो गई, और नामदान लिया, भजन किया, तो अपने मालिक के पास बहुत से लोग पहुँच गए। अब इधर उनको आना नहीं है, तो गुरु महाराज ने ये सब काम किया। और गुरु महाराज जाने से पहले ही मेरे लिए आदेश दे गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे ये, और पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद हम लोगों को बताने लग गए, बहुत से लोगों को हमने रास्ता बताया, समझाया, और लोग करने लगे। लोगों को फायदा भी हो रहा है। आपको भी बताऊँगा, आपसे भी कोई हमारा द्वेष नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये आदेश दिया कि इनको तुम अगर नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा, तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ये बड़ा कठिन काम है। कोटि जन्म जब भटका खाया, और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। जो पूरा सत्संग आप शुरू से सुने हो, आपको बहुत सारी बातें मालूम हो गई। भटकने के बाद तब ये मिला है, ये जल्दी मिलता नहीं है। और साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाज़ा इसी में है, साधना का घर इसी को बताया गया। तो बोले मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो नामदान देना हमने शुरू कर दिया। पहले था, पहले जो है एक जन्म में तो सेवा कराते थे, गुरुभक्ति कराते थे, दूसरा जन्म जब जीव लेता था तब देते थे, और दक्षिणा भी खूब लेते थे, खूब। आप देखो कि दक्षिणा लेने में यानी उनका मकान बिक गया, जमीन जायदाद बिक गई, किसका? बल्ला का। और बल्ला जब परीक्षा में पास हुए खुश हो गए, उनके गुरु तब उन्होंने कहा मांग लो जो तुमको मांगना है, आप मैं तुम्हारी सेवा और दक्षिणा से बहुत खुश हूँ। तब उन्होंने कहा मांगने को तो कुछ नहीं रह गया, जब आप मेरे हो गए और मैं आपका हो गया तो अब मांगने को कुछ नहीं रहा। लेकिन जब आप कह रहे हो तो मांग रहा हूँ। कलयुग में ऐसी दक्षिणा और ऐसी परीक्षा किसी के लेना ही नहीं, कलयुग के जीव नहीं दे पाएंगे। तो इस समय कोई परीक्षा नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। इस समय पर तो पहली बार आप आए हो और आपको अनमोल चीज़ दे दी जा रही, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं, जिसको मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो। जिसको कहा गया नाम रसायन पीजिए यही अवसर यह धाम, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। देखो आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है, बुखार हो गया तो दवाई खाओगे तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार की जो कमजोरी है उसके लिए दूसरी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन उसी में अगर रसायन होता है उसको अगर खा लो तो बुखार भी उतार देगा और बुखार से आई हुई कमजोरी को भी खत्म कर देगा। ऐसे यह नाम रसायन ये लोक भी बनाता है और परलोक भी बनाता है। गोस्वामी महाराज ने कहा ना कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिंदर उतरे पारा, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो कौन ऐसा नाम? कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है? तो वो नाम मैं आपको बताऊंगा, किससे लोक और परलोक आपका दोनों बनेगा। यह है ध्वन्यात्मक नाम। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है, जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो उस नाम को जगाते हैं, और उस नाम को जब आदमी बोलता है तो उसके जान माल की रक्षा होती है, वो फायदा करता है। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, और कलयुग में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम मुसीबत में तकलीफ में लोग बोले, लोगों को फायदा हुआ, मरते समय कान में बोले, मरने वाले के कान में बोले, और मरने वाले का दर्द पीड़ा कम हुआ, दर्द हटा और बोला हमको आराम हो गया, और यमराज के दूत हट गए, जो मार रहे झुलसा रहे थे, जला रहे थे, कूट रहे थे, वो सब हट गए। तो लोगों ने खूब परीक्षा भी लिया, देखा भी, आजमाइश भी किया। अब जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशे से मुक्त व्यक्ति मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। तो ये जय गुरुदेव नाम सब लोग याद रखना, जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। यह तो है वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला, और ध्वन्यात्मक नाम को अंदर से लिया जाता है, उसका जाप अंदर से किया जाता है। तो वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ, वो भी नाम आपको बतलाता हूँ। नामदान जिसको कहते हैं वो नामदान मैं आपको देता हूँ। अब आप ये भी मत सोचना कि अभी तो यह सत्संग सुना रहे हैं और नामदान देंगे और उसके बाद तब ये मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना। ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? तो सब तो मांगते रहते हैं, कहा ना दाता एक राम, और भिखारी सारी दुनिया सब मांग रहे हैं। धरती पर जहाँ तक नज़र दौड़ाओ मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। सभी मांग रहे हैं। तो मंगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? देने वाला कौन होता है? कहा ना धरणी जान लो देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी, सब मांग रहे हैं। धरणी जान लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। सदगुरु देते हैं, हमारे गुरु महाराज हमको देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो क्या मांगूंगा। अब ये ज़रूर है कि आप लोग श्रद्धा और प्रेम में आए हो और प्रेम से सुन रहे हो, कोई किराए का आदमी तो हो नहीं कि पैसा दे करके आपको बुलाया गया है। आप तो श्रद्धा प्रेम में आए हो और आप मिल रहे हो, हम देख रहे हैं आपको, आप हमको देख रहे हो, तो आपसे हमको प्रेम हो रहा है। अब यह है कि इसमें हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं, कोई बिहार का, कोई एमपी का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का, कई प्रदेशों के लोग हैं। अब आप उनको कहोगे ये बिहार के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, आपको कहेंगे कि ये महाराष्ट्र के हैं, तो आप कैसे पहचानोगे? चेहरे मोहरे से पहचानोगे, नाम से पहचानोगे, जब उनसे पूछोगे कि कहाँ के हो तो उससे आप पहचानोगे। लेकिन आपके अंदर जो जीवात्मा और इनके अंदर जीवात्मा, सबके अंदर जीवात्मा तो परमात्मा के अंश एक जैसी है, तो हम तो इसको उसको नहीं देखते। कपड़े को और चेहरे मोहरे को और रहने की जगह को और आपके बोली बानी को हम नहीं देखते, हम तो आपकी आत्मा को देखते हैं कि आत्मा तो सब परमात्मा की अंश है। तो हम तो चूँकि परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा से प्रेम करते हैं, और आप यानी उसके अंश हो तो आपसे भी प्रेम हो गया। जैसे कोई अधिकारी का बच्चा हो या कोई रिश्तेदार का बच्चा हो, तो बच्चा न कुछ बोल पाता है, न व्यवहार कर पाता है और न कुछ खिला पिला पाता है, लेकिन बच्चे को प्रेम करते हो। क्यों करते हो? कि यह हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, यह हमारे अधिकारी का बच्चा है, यह हमारे व्यापारी का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, उससे प्रेम करते हो। ऐसे आपके अंदर जो जीवात्मा है यानी उस पानी की अंश है, परमात्मा है, परमात्मा की अंश है, इसलिए हमको अब आपकी आत्मा से प्रेम हो गया। तो जब जरूरत पड़ेगा आपके लिए, तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा, आपके लिए मांग लूँ, अब अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। तो देखो आप कहोगे भाई हमारे यहाँ उज्जैन से चलकर आए हैं तो हमको कुछ देना चाहिए, और हमको अनमोल चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले हमको कुछ दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि जब दीक्षा लिया जाता है तो दिया जाता है। और बहुत से लोग तो देखो लोटा धोती लंगोटी सब रखवा लेते हैं, पहले ये सब रखवा लेते हैं, तब कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, तब जो है धागा बांधते हैं, मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं करवा रहे हैं, तो फिर भी हमको कुछ देना चाहिए, तो आप दे सकते हो। अब आपको देना क्या है ये भी समझ लो, आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने जान में या अनजान में गलती की वो आप मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, जीवों की हत्या किया, अब मत करना। अब आप दया धर्म को अपना लेना। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करे रघुबीरा। दया धर्म ले आओ, जीव को मारो काटो मत। जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, मांस को उसके पकाता है और खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मालिक रहमान है। मुसलमान किसको कहते हैं? जिसके अंदर मुसलम ईमान हो और मुसलम रहम हो। रहम माने दया, और ईमान मतलब यह है कि ईमानदार हो, वो उसको मुसलमान बताया गया। तो मुसलम ईमान रहमान यानी वो है मुसलमान वो है जिसके अंदर मुसलम ईमान और रहमान है, रहम है। देखो मांस खाने वाले की बुद्धि खराब हो जाती है, सामान्य भी बताया। मांस खाने वाले का खून खराब हो जाता है, बेमेल हो जाता है, दवा फायदा नहीं करती है, मैंने अभी शुरू में बताया। तो मांस मत खाना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज़ तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खकार के थूक दो मछली खा जाएगी। संडास करने के बाद धोने के लिए जाओ तालाब में तो टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल सुअर भैंसा बह करके आ जाए नदी तालाब में, मछली उसको खाएगी। उसका काम सफाई करना है। देखो पहले के समय में कुआं लोग बनवाते थे तो पानी साफ सुथरा रहे, बढ़िया ठंडा पानी रहे, उसके लिए मछली लाके डाल देते थे, और वो मछली सब उसको पूरा साफ करके रखती थी। तो मछली जब मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा खाते हैं। गीद और कौवा, अब गीद और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो सोचो क्या हाल होगा। अब बुद्धि सही रहेगी, अब मत खाना। अभी तक जो गलती हो गई सो तो हो गई, आप गलती मत करना। अंडा क्या है, जब माताएं मासिक धर्म होती हैं और खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तब वही अंडा बन जाता है। अब मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीज़। मलाई होती ना, रबड़ी मलाई है या मिठाई, कोई भी चीज़ कीड़े के ऊपर आप लगा दो, कीड़े के ऊपर लगा करके मुर्गी जहाँ रहती है वहाँ डाल दो तो मिठाई नहीं खाएगी, वो रबड़ी मलाई नहीं खाएगी। बोस उसको, कीड़े को ऐसे पकड़ेगी और उसको ऐसे झाड़ देगी, गिरा देगी और गिराने के बाद कीड़ा खाती है, बड़ी गंदी। कभी भी अंडा मत खाना, मुर्गी मत खाना। ये डॉक्टर लोग कहते हैं ना, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। ये जितने डॉक्टर और वैज्ञानिक अंडा खाते और खिलाते हैं इनको कोई जानकारी नहीं, सब के सब अज्ञानी हैं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन तेल अगर ख़त्म हो जाए, पेट्रोल अगर न डालो तो कोई हवाई जहाज उड़ेगा। नट अगर ढीला हो जाए तो मुंह के बल हवाई जहाज गिरेगा। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को और संजीवनी बूटी की ज़रूरत पड़ी थी, उड़ करके जब गए थे तो हवाई जहाज पर बैठकर तो गए नहीं, अरे किसी हेलीकॉप्टर पर बैठकर गए थे। हनुमान जी उड़ करके गए और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? सती सावित्री का नाम सुना होगा, पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बना दिया, तो वो भी तो अन्य कोई अन्य विद्या थी, अरे कोई विज्ञान था। बाढ़ मारते थे और ऐसे दुश्मन को मार करके फिर वापस आ जाते, गला काट देते थे और फिर जोड़ देते थे, वो भी तो कोई विज्ञान था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। दुनिया को गिनती तब आई जब जीरो भारत ने दिया। और कहते हैं जीरो में कुछ नहीं, देखो विवेकानंद जीरो पर कितना समय तक बोले थे। तो भारत का विज्ञान, पहले का विज्ञान बहुत आगे, और विज्ञान अब कहीं चला नहीं गया, अब भी है, लेकिन उस विज्ञान को इन लोगों ने बुद्धि खराब होने की वजह से पढ़ना ही बंद कर दिया, समझना ही बंद कर दिया। कहते वैज्ञानिक हूँ, लेकिन पहले का विज्ञान अगर पढ़ लें तो यानी इस विज्ञान की कोई ज़रूरत ही न रह जाए। यह सीढ़ी नीचे की हो जाए और यह ऊपर सीढ़ी पर पहुँच जाए। तो वो विज्ञान आज मैं आपको बताऊंगा कि नीचे चलने के बजाय यह सीढ़ी छूट जाएगी। जैसे जीवात्मा यहाँ बैठी है, अब यह शरीर को चलाती है और इसमें चक्र चलाते हैं, तो गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये सब चक्र हैं। इन चक्रों का वेदन लोग करते थे, योग करते थे, साधना करते थे, यानी प्राणायाम जिसको कहते वो करते थे, ये चक्र रोकते थे, उसको देखते थे, तो उम्र ज़्यादा होती थी। अब जो है ये चक्र यहाँ से यानी यहाँ से जो है ये इधर नीचे की साधना ही ख़त्म कर दी जा रही है, क्योंकि उम्र कम है। तो कम उम्र में यानी समझ लो कि नीचे से चल के आदमी पहुँच नहीं सकता ऊपर, लेकिन ऊपर अगर बैठ जाए तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा, और यानी समझ लो नीचे से ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो यही बात आप समझ लो कि यह साधना जो बताई जाएगी आज आपको, वो यहाँ बीचों बीच में जीवात्मा जहाँ बैठी है इसके ऊपर की बताई जाएगी। यानी 5 स्थान ऊपर में भी है, सहस्रदल, कमल, त्रिकुटी, रश्मादार, भंवर गुफा और सतलोक, 5 स्थान ऊपर, 5 स्थान नीचे। तो नीचे के ये सब जो है यानी ख़त्म कर दी जा रही है, इसको करना ही नहीं है। आप जब ऊपर बढ़ोगे तो नीचे का सब अपने आप दिखेगा। तो ऊपर बढ़ने का आपको तरीका बता दिया जा रहा है। तो अब आप ये समझो कि ये विज्ञान यानी ये वैज्ञानिक और ये डॉक्टर जो कहते हैं कि अंडा खाओ, कितना भी टर टर करते रहें, ना तो अंडा खाना है ना बच्चों को खिलाना है। और बच्चों को तो यही समझा देना है कि बाहर की चीज़ों को खाओ ही नहीं, क्योंकि बाहर मिलावटी चीज़ें बहुत आ गई। आदमी ने अपने दीन और ईमान को बेच दिया है। रातों रात लखपति बनने के चक्कर में मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया है। यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे यानी इन चीज़ों को खाते हैं, उससे उनकी किडनी ख़त्म हो जा रही है, लीवर ख़त्म हो जा रहा है। अच्छा लगता है, जबान को स्वाद मिल जाता है, तो वो जो पैसा पाते फल फूल खाने के लिए और आप प्रेम में दे देते हो, उसका वही सब चीज़ें खाते हैं। तो भाई लिमिट होती है ना, कि जैसे आप रोटी और दाल खाते हो, रोटी और सब्जी खाते हो, उसके साथ थोड़ा सा चटनी भी खा लेते हो। अब आप कहो हम चटनी ही खाएंगे और रोटी दाल नहीं खाएंगे, तो आप समझ लो वो चटनी नुकसान करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अब चटनी अगर पसंद आ गई, अचार अगर पसंद आ गया, तो बगैर अचार के कोई खा नहीं पाता है। कहते हैं अचार जरूर होना चाहिए। अब एक एक टुकड़ा बढ़ाते जाएंगे, इतना इतना अचार, इतनी इतनी मिर्ची खाते चले जाते हैं लोग, तो नुकसान तो करेगा ही। अरे भाई लिमिट होती है ना इसकी। ऐसे अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि खेलने कूदने जा रहे हैं, कि गलत बच्चों के साथ में घूमने जा रहे हैं, कोई गलत काम में तो नहीं फंस रहे हैं। ध्यान रखो, शाम को लौट के आओ तो कुछ पूछताछ तो करो। रुपया पैसा जब मांगता है देते चले जाते हो, मांगता है साइकिल खरीद देते हो, बाइक खरीद देते हो, गाड़ी खरीद देते हो आप, तो कम से कम देखो तो क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और नहीं तो ये मेहनत की कमाई से बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समय पर जो खाली इसी का पैसा का यानी रोटी खाते हैं। लड़कों को देख लेते हैं इनके पास पैसा है, बस ऐसे लड़कों की गलत आदत डाल देते हैं खाने की, और मतलब बहुत चीज़ों की गलत आदत डाल देते हैं, और दो चार फोटो खींच लेते हैं। अब तो फोटोग्राफर बुलाना नहीं है, अब तो अन्य समझ लो कि टीवी बैठ करके एक जगह देखना नहीं है। उनके जेब में टीवी भी पड़ा रहता है, उनके जेब में कैमरा भी पड़ा रहता है। जहाँ चाहे तहाँ टीवी देख लें, जहाँ चाहे नंगी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहे सीधी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहे वो फ़ोटो खींच लें, तो बस फट से खींच लेते हैं। अब खींच लेते हैं और दिखाते हैं। हम लड़का लड़की जो होते हैं वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, घर पर मार पड़ेगी, और ये हो जाएगी, बस गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों का खान पान सही रखने की ज़रूरत है, यह शरीर का सिस्टम बिगड़ने न पावे, इस चीज़ का आप सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको दूंगा नामदान। तो आप यानी मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब मत पीना। 1000 बुराइयों वाली चीज़ है शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी चकारी करता, वादा खिलाफी करता, 1000 बुराई शराब। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाए। ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। देखो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई फलीभूत होती है। मार करके लाते हो, काट करके लाते हो, दिल दुखा करके लाते हो, तो उसी तरह से चला जाता है। पैसा भी दे आते और पेट भी पड़वा जाते हैं। 2 महीना बिस्तर पर पड़े रहते हैं। डॉक्टर बड़े प्रेम से पैसा निकाल देता है। ये थोड़ा कहता पेट फाड़ेंगे, कहता ऑपरेशन करेंगे। टीवी में देखते रहना, केवल 2 घंटे का ऑपरेशन है, 2 लाख रुपया लगेगा। तो बस ऐसे ही चला जाता है। फंस गए किसी चक्कर में, मुकदमेबाजी में फंस गए, तो कितनी जूतियाँ घिस जाएंगी, कितनी पेशी पर जाना पड़ेगा, कितना फीस वकील को देना पड़ेगा, ज़मीन बिक जाएगी कि जेवर बिक जाएगा, कोई ठिकाना है। इसीलिए तो कहा गया भाई कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ मतलब बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लोगे कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, जाना नहीं पड़ेगा कोर्ट कचहरी में। और कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, जितना खाओ हजम हो जाए आराम से, तो कोई रोग नहीं होगा। मन के अनुसार जब ज़्यादा खा लेते हो, जब तो पेट के ऊपर लोड पड़ता है तो रोग हो जाता है। तो मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। मेहनत ईमानदारी की कमाई में आदमी सुखी रहता है। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आप कहीं रहते, आपका रूप है ये चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप टेप करके सुना दोगे किसी को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो जाएंगे, ये धनी नाराज़ हो जाएंगे कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया। तो ये जब नाराज़ हो जाएंगे तो ये नाराज़ होकर के सजा दे देंगे। इसलिए आप इनको किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता का दर्शन जब आप करोगे और वहाँ का दृश्य सीनरी जब वहाँ का देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगी। उसके लिए फिर तो बड़ी तड़प जगती है, बड़ा रोना आता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल निठुर हो जाता है। निठुर किसको कहते हैं? कहते हो ना, बड़े जिद्दी हैं, ये जो कह देते हैं फिर मानते नहीं हैं। तो ऐसे ही समझ लो वो जिद कर लेते हैं कि देखो मेरी बात जब इन्होंने नहीं माना तो अन्य समझ लो मैं भी नहीं मानूंगा अब इनकी बात। तो इन्होंने मेरी बेकदरी किया और इनको जो मैंने दिया वो ये संभाल नहीं पाए, तो ये अब रखने के लायक नहीं है उस चीज़ को, इसलिए इनको कुछ नहीं दूंगा। वो आध्यात्मिक दौलत है, परा विद्या जिसको कहते हैं। दुनिया की सारी विद्या जहाँ खत्म हो जाती वहाँ से आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। सारा धन जहाँ से खत्म होता है वहाँ से आध्यात्मिक धन की शुरुआत होती है। तो वो आध्यात्मिक धन आपको जब मिलेगा तो आप खुश होकर के बता दोगे, बस वो बंद कर देंगे, फिर नहीं मिलेगा जल्दी। इसलिए बताना मत किसी को, खूब ठीक से आप याद कर लो इस चीज़ को। आप तीन चीज़ समझो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। तीन चीज़ और समझो, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। तो कहोगे भाई ये कैसे? मैं बतलाता हूँ आपको। देखो, दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो दो आँख बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा में, तीन आँख। दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ अंदर जाती है, और ये कान है जीवात्मा में, उससे जिसको आप अनाहत, वेदवाणी, खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ कहते हो, यानी साउंड जिसको इंग्लिश में कहते हो, वो सुनाई पड़ता है उस अंदर वाले कान से। तो दो कान ये बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान और तीन नाक। तो कहोगे भाई नाक तो ये कही है, क्योंकि आप इसको नाक कहते हो। ये तो ऊपर से ऐसे पुल जैसा बना दिया दो नाले के ऊपर। नाक तो ये है, ये है, ये है, ये उसकी बनावट है सब। किसकी? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो, आप कई हजार आदमी बैठे हो, लेकिन ये चेहरा किसी का किसी से मिलता है, कुछ न कुछ फर्क सबके चेहरे पर है। यह है उसकी कारीगरी। तो दो नाक उसने ये बनाया, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, तीन नाक। उससे जो खुशबू मिलती है उसमें ज़्यादा मस्ती आती है, और वो नशा जो खुशबू का होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, उतरता ही नहीं है नशा। कहा ना, भांग बकूरी सुरापान, उतर जाए पर भात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहा है दिन रात। रात को भांग पी लो, कोई पी ले रात को भांग, शराब पी ले, तो सुबह नशा उतर जाता है। लेकिन ये नाम कुमारी, ये जो ऊपर के नशा है, खुशबू है उसके नाम की जो खुशबू है, वो जब मिल जाती है तो नशा जल्दी उतरता ही नहीं। तभी तो कहा ना, जोलर से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक और सुमिरन ध्यान भजन, तीन चीज ये है। और तो कल अगर आपके अंदर इच्छा जग गई, संस्कार आपके जग गए और आपने करना शुरू कर दिया तो आपको अंतर में कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लग जाएगा। और उसका असर ये होगा कि यह बाहर से भी धन पुत्र परिवार में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई पड़ने लगेगी, बाहर भी आपको सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। और अगर नामदान नहीं दिया गया और आपकी बाद में इच्छा भी जगी तो तब तक तो नामदान देने वाले बहुत दूर निकल जाएंगे। और उसी बीच में किसी का समय पूरा हो गया तो यह मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ही आता है सबको दे दिया जाता है। यह यहाँ नहीं देखा जाता है कि गरीब हैं कि अमीर हैं, कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, कुछ नहीं। और किसी का घर भी नहीं छोड़ा जाता। देखो, आपको किसी को घर नहीं छोड़ना है, साधु नहीं बनना है। घर छोड़ के जंगल में जाओगे तो भगवान जल्दी मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो इसी गृहस्थाश्रम में, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। और जिसको मिला उन्होंने बताया, कहा ना कि जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंदर से पूछो दिल की आशा इसी में मिलता है, मिला आज तक तो इसी में मिला। और वो ये तरीका आपको बतला देता हूँ। अब आपके अंदर इच्छा जग जाए कि दुनिया बनाने वाला हमको मिल जाए, और दुनिया बनाने वाले की इच्छा जग जाए और दुनिया बनाने वाला आपको मिल जाए, तो ये पक्की बात आप समझ लो कि दुनिया के लिए फिर आपको दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए आपको गुनाह गलती नहीं करनी पड़ेगी। फिर जब उसको देख लोगे, दर्शन हो जाएगा तो उस पर विश्वास हो जाएगा। विश्वास जब हो जाएगा तब वो भरपूर देगा। अभी तो विश्वास नहीं हो रहा है। अब आप सोचो कि जो पैदा होने के पहले माँ के अस्तन में दूध भर देता है, देता वो है, फरवरिश वो करता है। लेकिन जब इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं तो कहते हैं मेरे करने से सब होता है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो उसमें आदमी फंसता चला जाता है। तो आपको बतलाता हूँ, बैठो, पालथी मारो, पालथी मारो। जो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग एक आवाज़ में बोलना, एक धुन में बोलना। जाना है, अरे भूख प्यास तो आदमी रोक लेता है लेकिन वो चीज़ रुकती है, उसको तो जाने जाना है, नहीं दो बार 24 घंटे में तो एक बार जाने जाना है। तो भाई मौका तो सबके पास है, आदमी अगर चाहे तो मौका सबके पास है। हिंदुस्तान के लोग क्या करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, समय का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरे देश के लोगों के पास समय यानी बहुत कम होता है। आप रिश्तेदार हो चले जाओ, दूसरे देश में जो आपके रिश्तेदार लोग हैं वो आपको समय नहीं दे पाएंगे। गाड़ी घोड़ा दे देंगे, पैसा दे देंगे, जाओ आप घूमो टहलो, जो चाहो खाओ पियो रहो, लेकिन समय वो आपको नहीं दे सकते। हर समय का वो उपयोग करते हैं। और हिंदुस्तान का आदमी बिजी विदाउट वर्क अंग्रेजी में कहते हैं ना, काम कुछ नहीं लेकिन बिजी बोर रहता है। कहते हैं हम नहीं फुर्सत, नहीं फुर्सत है। कहते हैं गृहस्थी पकड़े हुए हैं। अरे गृहस्थी पकड़े हुए हैं कि गृहस्थी को आपने पकड़ लिया है, यह आपका भ्रम और भूल है। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, तोता पकड़ने के लिए चरखी बनाते हैं और ले जाते हैं पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। अब वो जब चरखी पर बैठ करके फल समझ करके उसको खाने की कोशिश करता है तो जैसे पैर रखता है बस वो चरखी घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसे ऐसे चरखी को पकड़ लेता है। तो तोता तो समझता है चरखी ने पकड़ लिया, और चरखी को तोता पकड़े रहता है। तोता अगर चरखी छोड़ दे तो कभी उड़ जाए, लेकिन वो समझता है चरखी ने पकड़ लिया है, बस वो तोता पकड़ जाता है। वो रोज जो शिकारी होते तोते को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही तो ध्यान कहते हैं आँख से देखने को। तो आपको बैठा देता हूँ, 5-7 मिनट बैठाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं। संडास का और ये पेशाब का रास्ता, यह सब इसका मंदिर का, मानो मंदिर का दरवाज़ा है। तो बाहर का पट दे कर अंतर का पट खोल। जब बाहर का दरवाज़ा बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। 10वां द्वार अंदर में है, पिंडी 10वां द्वार है, तो यानी समझ लो कि वो तब खुलेगा जब बाहर से बंद होगा। तो बाहर से बंद करना ज़रूरी है। रात को सोने के लिए जाओ, कान में उंगली लगाओ और सुनते सुनते सो जाओ। अब अगर आवाज़ सोने से पहले सुनाई पड़ गई तो नींद भी आ जाएगी लेकिन आवाज़ आती रहेगी। पेशाब करने उठोगे तो भी सुनाई पड़ेगा। कहा ना जागत में सुमिरन करे और सोवत में लौलाए और सहजो एक रस रहे तार टूट न जाए। फिर एक रस हो जाता है तार नहीं टूटता है। तो बराबर आप इसी तरह से करते रहना, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों चीज़ करना है। और अब देखो थोड़ा शाकाहारी का भी प्रचार आप लोग करना। लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाना जरूरी है। शाकाहारी अगर लोग नहीं बनेंगे तो समझ लो कि बुद्धि सही नहीं रहेगी, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे। तो प्रकृति के नियम के कुदरत के बल खिलाफ जब काम करेंगे तो कुदरत सजा दे देगी। कुदरत के बल खिलाफ काम बहुत हो रहा है तो सजा देने के लिए तैयार है। देखो 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। यह है 5 देवता जिसको कहा गया, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों देवता नाराज हैं, यानी एक एक साथ दो दो देवता सजा देने के लिए तैयार है। कैसे ये भी बता दें। जैसे आग लग गई, बहुत तेज आग लगी और हवा भी तेज चल गया तो जल्दी आग बुझ पाएगी। बरसात भी बड़ी तेज होने लगी और हवा भी तेज चल गई तो बहुत क़यामत आएगी। इसलिए यानी समझ लो कि इनको खुश करना ज़रूरी है। तो शाकाहारी लोगों को बनाना ज़रूरी है। शाकाहारी का आप लोग प्रचार करते रहो, सदाचारी लोगों को बनाते रहो। ऐसे तो अभी तकलीफ़ें बीच में आनी ही आनी है, लेकिन यह है कि तकलीफ़ों में भी लोग बच जाते हैं। जो भक्त बन जाते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं। देखो विभीषण का घर बच गया लंका दहन में, प्रहलाद बच गए, ध्रुव बच गए। तो जो कील को पकड़ लेते हैं उनकी बचत हो जाती है। कहा न कबीर साहब ने कि दो पाटन के बीच में साबित बचानक होए और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। गांव में हाथ की चक्की होती थी पहले, अभी कहीं कहीं गांव में है। तो उसमें 2 पाटे होते हैं पत्थर के, तो उसमें जो गेहूं पिस रहे थे उसको देख कर कबीर साहब रो दिए कि कलयुग और सतयुग के बीच में यानी जो पड़ेंगे वो पिस जाएंगे। 2 युगों के यानी समझ लो लड़ाई में जो पड़ते हैं वो पिस जाते हैं। देखो त्रेता जब खत्म होने को हुआ तो देखो कितने मरे, द्वापर खत्म होने को हुआ, कलयुग आने का हुआ तो कितने मरे। ऐसे ही कलयुग जाने का और कलयुग में ही सतयुग आने का संकेत मिलता है। आप समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास टूरिया किताब में भी लिखा है। तो कलयुग जब जाने लगेगा और सतयुग के आने का समय होगा तो उसमें लोग पिसेंगे। तो कबीर साहब को ने कहा 2 पाटन के बीच में साबित बचानक होए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो उनका लड़का था, उसने हंस दिया, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए। और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। हाथ की जो चक्की होती है बीच में एक आधार होता है, लोहे की या लकड़ी की कीली होती है जिसके सहारे से वो चक्की चलती है। तो उस कीली के किनारे किनारे जितने भी गेहूं होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो यह है कील, शाकाहारिता, सदाचारिता, ये कील है। और यह नाम जो हमने आपको बताया, यह नाम की कमाई, यह समझ लो ये कील है। इससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी ये ढीले पड़ेंगे। और इससे आपके अरे ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें भी कोई तत्व कम नहीं होने पाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से एक तत्व की कमी जब हो जाती है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता, जिसको आप पागल कहने लगते हो, तो उसकी भी कमी नहीं होने पाएगी। इसलिए इनको समझाना, लोगों को बताना अपना फर्ज बनता है। देखो पशु और पक्षी भी आते हैं खा पी करके, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। और आदमी तो आता है यानी अपना भी काम बनाता है, दूसरों का भी बनाता है, दूसरों के काम आता है। और आप तो जियो उस मालिक के, अच्छे जियो हो, संतों के जियो, आपका संस्कार जगा और आप यहाँ पर आए तो आप तो अच्छे जियो। तो आप ये समझो कि आपको भी कुछ परमार्थी काम करना चाहिए। कुछ लोगों में प्रचार प्रसार इस बात का करना चाहिए कि जिससे लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएं। बच्चों को भी आप बना दो, परिवार वालों को भी शाकाहारी बनाओ। नहीं तो कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, और उनको जब कर्मों की सज़ा मिलने लगेगी तो तकलीफ़ जब होगी तो आपको भी तकलीफ़ होगी। तब आप कहोगे कि हमारी मालिक मदद नहीं कर रहा है, हमारी गुरु मदद नहीं कर रहे हैं, और देखो हमारे बच्चों को ऐसा हो गया, परिवार वालों को ऐसा हो गया, तो आपका भी मन खराब होगा। इसलिए उनको भी समझा दो, जो नहीं आए हैं उनको भी समझा दो कि वो शाकाहारी रहेंगे, सदाचारी रहेंगे, ऐसे बुद्धिनाशक नशे का सेवन नहीं करेंगे कि जिसके पीने खाने से अन्य आदमी होश में नहीं रह जाता है। बराबर आप प्रचार करते रहो, देखो अच्छा समय आएगा। कलयुग में ही कलयुग जाने और कलयुग में सतयुग आने की बात मिलती है। व्यवस्था बहुत सही हो जाएगी। व्यवस्था इस समय गड़बड़ हो गई। देखो इस वक्त पर लोगों को तकलीफ है, हमको मालूम है, चाहे खेती करने वाले हों और चाहे व्यापार करने वाले हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे नौजवान पढ़ लिख करके घूम रहे हों, तकलीफ सबको है। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो संविधान भारत का बना था, ये अन्य समझ लो बहुत पुराना है। यानी जब बना था तब की परिस्थितियाँ अलग थीं और अब परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया। तो इसमें भारी संशोधन की ज़रूरत है। संविधान में अगर संशोधन हो जाए तो सबको भी न्याय और सुरक्षा मिलने लग जाए। लागत के हिसाब से खेड़ोट को, अन्य समझ लो शेतकारी को, जिसको किसान कहते हैं, अन्य इनको अन्य अनाज का, पैदा की हुई चीज़ों का मूल्य मिलने लग जाए। यानी समझ लो इनकी इनको कर्जा न लेना पड़े, इनकी समस्या सुलझ जाए, तो आगे चल करके अन्य समस्या सुलझेगी। इसलिए जो कोई भी कोई आप समझ लो कि आत्महत्या करते हो तो आत्महत्या मत करना, आत्महत्या का कभी मन मत बनाना। और खबर लग रहा है कोई कोई ऊब गया है, परेशान है, कहीं आत्महत्या न कर ले, तो खूब उसको समझाना। आत्महत्या करने वाले को प्रेत योनि में जाना पड़ता है और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट ही नहीं भरता, तो परेशान रहते हैं, परेशान करते रहते हैं दूसरे को। प्रेत योनि बड़ी कठिन होती है। सांप की योनि, बिच्छू की, जिसके अंदर जहर भरा हो, और प्रेत जिसका जो भूखा भूखा हो, गुस्से में रहे, क्रोध में रहे, तो बड़ी खराब योनि होती है। तो आत्महत्या तो कोई करना ही नहीं, व्यवस्था सब सही हो जाएगी। देखो प्रकृति अभी समय पर जाड़ा गर्मी बरसात करने लग जाए तो काश्तकार यूँ ही खुशहाल हो जाए। पहले के समय में ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। ऐसा समय आएगा, जब अच्छा समय आ जाएगा तो जब जरूरत पड़ेगी तब बादल आएंगे, बरस जाएंगे। नाम मात्र के लिए खेत को जोत करके शेयर करे, जिसको कहते हो किसान, चला आएगा बीज को डाल करके, और जब जरूरत पड़ेगी बादल आएंगे, बरस जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी बरस जाएंगे। ऐसा समय हो जाएगा, समय अच्छा आ जाएगा। नियत जब दुरुस्त हो जाएगी तो बरकत होने लगेगी। जब हिंसा हत्या बंद हो जाएगी तो सतयुग का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ने लग जाएगा। अभी देखो देश में गौहत्या बहुत हो रही। गौहत्या जिसको माता कहते, दूध पीते, उसी का लोग मांस खाते हैं। बताओ ये जायज है? जिसको माँ कहो, दूध पियो, उसका मांस खाओ। यानी मांस खाने के चक्कर में गौहत्या बहुत हो रही है। जबकि गाय एक ऐसा पशु है कि सबसे ज़्यादा उपयोगी मनुष्य के लिए है। उसका पेशाब भी और उसका गोबर भी और उसका शरीर भी, यानी दूध तो अमृत तुल्य बताया गया, यानी उपयोगी है। और लेकिन अब गौहत्या लोग कर रहे हैं। गौ माता, धरती माता और अपनी माता तीनों दुखी हैं। ये लड़के पर लेकर के आते हैं तो माता को घर से बाहर निकाल देते। बताओ सेवा करना चाहिए कि घर से निकालना चाहिए? तो वो भी दुखी। धरती पर पाप बहुत हो रहा है तो धरती भी दुखी। अब ये समझ लो हिलने वाली है, भूकंप आएंगे, भूकंप आएंगे, कौन बचेगा, कौन मरेगा? पाप बहुत हो रहा है तो पाप से दबेगी धरती, हिलेगी। सबक तो सिखाएगी। अरे भाई बोझा किसी के ऊपर ज़्यादा हो जाए तो वैसे हिलेगा डोलेगा कि नहीं? तो अब आप ये बात समझो कि देश में गौहत्या बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौहत्या बंद हो जाएगी। और गौहत्या ही नहीं बंद होगी, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की दुकान ही नहीं होगी। आप समझ लो कि एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी। भावना की तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है, तो भावना बदल जाएगी लोगों की। अच्छा समय आ जाएगा, भारत एक आध्यात्मिक गुरु बन करके उभरेगा, भारत का विज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे विश्व को लोग भारत में विज्ञान सीखने के लिए आएंगे, भारत आध्यात्मिक गुरु होगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, बीच का समय खराब है, उसको पार करना है किसी भी तरह से। व्यवस्था सब बदल जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा मिलेगी, सबको रोटी रोजी मिलेगी, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी लोगों। लोग ईश्वर आध्यात्मवादी, खुदा परस्त, ईश्वरवादी जिसको कहते हैं वो हो जाएगा समय। लेकिन ये बीच खराब है, इसको थोड़ा सावधानी से पार करना है, क्योंकि अपहरण, बलात्कार, चोरी डकैती ये घटनाएं भी बढ़ेंगी, ठगी बढ़ेगी, जो ले लेगा रुपये पैसा देगा ही नहीं, लोभ लालच बढ़ा देगा बगल बैठ करके, और उसी लोभ लालच के लिए पैसा आदमी दे देगा कि आमदनी हो जाएगी, ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, मकान का कीमत मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, उसी चक्कर में पैसा दे देगा और वापस नहीं आएगा। तो यह सब बहुत होगा, इससे थोड़ा होशियार रहना, यानी बचे रहना, कोशिश ये करना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी वो खा ना रहूँ, साहब न हमारे पास उतना हो कि परिवार चलता रहे। ज़्यादा लालच करोगे तो कहते हैं लालच का नाम पतन होता है, लालच से ले लिया और उसके बाद में फिर कोई आपसे भी ले जाए, इसलिए इस चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखना। तो ज़्यादा समय अब आपका नहीं लूँगा। देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, और आपके यहाँ से अहमदनगर ज़िले से भी लोग जाते हैं, आप भी कभी मौका मिलेगा तो आइएगा। पहली तारीख को नया वर्ष का कार्यक्रम होता है, और होली दिवाली का भी वहीं होता है, और भंडारे का भी कार्यक्रम वहीं पर होता है। अभी तो 23 मई को भंडारा हुआ था, तो 1 लाख लोगों ने वहाँ एक ही स्थान पर शाकाहारी रहने और शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। वहाँ पर गौशाला भी चल रही है, भंडारे चल रहे हैं, और मतलब यह कि 100 बेड का अस्पताल अभी बन करके तैयार हो रहा है, अभी कुछ ही दिनों में चालू होने वाला। तो यह सब, इसके अलावा भी रचनात्मक काम संस्था है वो सब करती रहती। जब एक बार आप आओगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब आप ये समझो कि 23 अक्टूबर को ये काफिला वहाँ से चला है, कई हज़ार आदमी हमारे साथ चल रहे हैं, और कई सौ गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं। तो यह काफिला अभी चलेगा, अभी उधर गुजरात गया और गुजरात से महाराष्ट्र में आ गया, और अभी 15 तारीख तक महाराष्ट्र में रहेगा, 16 तारीख को फिर मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगा, और फिर 21 तारीख को ये कार्यक्रम झांसी उत्तर प्रदेश में करके 22 तारीख को 31वें दिन इस कार्यक्रम का समापन ग्वालियर में होगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इसका यानी समापन होगा। तो बराबर यानी हम लोग अच्छे काम करने में लगे हुए हैं, और आप लोग भी अपने स्तर से जहाँ पर हो वहीं अगर अच्छा काम करोगे तो आपका एक तरह से सहयोग हो जाएगा। तो अब आप ये समझो कि इस कार्यक्रम का अब होगा समापन, एक यानी प्रार्थना होगी, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन अभी 5 मिनट के लिए भजन पर बैठाऊँगा, भजन कराए बगैर छोड़ने वाला नहीं, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, डालो कपड़ा ऊपर से, ढक लो यहाँ तक, और आंख बंद करो, मुंह बंद करो, और कान में लगाओ उंगली, कपड़े के अंदर से कान में उंगली लगाओ, कपड़े के अंदर से कान बंद करो, और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो कि आवाज़ किधर से आ रही। अंतर में आवाज़ आती है, अंतर में आप कोशिश करो। अगर आपका मन रुक गया, मन भगा नहीं और आवाज़ के साथ मन जुड़ गया, तो यहीं सुनाई पड़ जाएगा। जब कहूँगा तब खोलना रहेगा। बैठ जाओ भजन पर सब लोग, बोलूँगा आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। लेकिन 2 मिनट के लिए जो लोग काफिले में चल रहे हो उनको भी आज हमको कुछ बात बतानी है। देखो गाड़ी चलाने वाले जो आप ड्राइवर लोग हो, आप शाम को जल्दी सो जाया करो और सुबह जल्दी उठ जाओ। और जो लोग गाड़ी में आप आने समय जो बैठ करके चल रहे हो इनको ड्राइवरों को समय से सुला दो, 10 साढ़े 10 बजे तक सुला दो और ये यानी सुबह उठ जाएं, उठ करके तैयार हो जाएं। और नहीं तो ये जब देर तक सोते हैं, रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, तो ये भगते हैं। तो भगने में क्या होता है कि गाड़ी लड़ा जाती है, नुकसान हो जाता है। तो किसी के शरीर को नुकसान हो जाए, गाड़ी को नुकसान हो जाए, तो नुकसान तो सब नुकसान ही होता है। इसलिए बचने के लिए इनका ज़रा ध्यान रखो, इनको समय से सुला दो, खिला करके और समय से जगा दिया करो और फिर समय से ये चल दिया करें। और गाड़ी चलाने वाले आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि कहीं भी आप चलो तो कितनी भी स्पीड में चलो, धीरे चलो तो भी दूरी गाड़ी के बीच की बना करके रखो, कम से कम अन्य समझ लो कि 30 फुट। और लंबी अगर आपको तेज़ स्पीड में चलना है, तेज़ गति से चलना है तो दूरी और बढ़ाओ, क्योंकि मान लो अचानक कोई गाड़ी आगे रुकती है तो फिर आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए आप अपने आप तेज अगर स्पीड में चलना है तो गाड़ी आप यानी एक दूसरे से बीच के गैप को ज़्यादा बढ़ा लो कि जिससे गाड़ी लड़े ना। जहाँ आप गाड़ियों को खड़ी करते हो, रास्ते में कहीं जाम है या कहीं रेलवे क्रॉसिंग है या काफिला रुक गया है, उस समय भी गाड़ियों से बीच में दूरी रखो। मान लो कोई गाड़ी आगे यानी समझ लो कि ऊँचाई पर खड़ी है, आप उसका ब्रेक काम नहीं किया, हैंड ब्रेक काम नहीं किया, गियर में नहीं लगी है तो गाड़ी पीछे से आके लड़ जाएगी। और जो ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, लोडेड रहते हैं, लोड ज़्यादा रहता है तो वो पिछड़ ही जाते हैं। अब उनका जो क्लीनर है अगर पीछे से यानी वहाँ कोई पत्थर नहीं मिला, नहीं लगा पाया तो आपकी गाड़ी में लड़ जाएगा। ओवरटेकिंग और संभाल के करो, ये मत सोचो कि हम निकाल ले जाएंगे अहंकार में। अगर आप अहंकार में गाड़ी चलाओगे और दूसरा अगर वो भी अहंकार में चला दिया उधर से आने वाला, हाँ तो आप नहीं निकाल पाओगे तो दब जाओगे। हमेशा छोटे बन के चलो। देखो कोई इसमें पिछड़ने वाला नहीं, पिछड़ने का या तो कोई काम ही नहीं है, आगे बढ़ने का है। लेकिन आप खुद पिछड़ जाते हो, आप कहीं लड़ा जाते हो, वहीं खड़े हो जाते हो, कहीं गाड़ी आपकी बिगड़ जाती है तो आप खड़े हो जाते हो, पिछड़ते तो आप हो। पिछड़ने वाला काम यहाँ नहीं है, आराम से पहुँच जाओ, आराम से गाड़ी चलाओ। और जो आप लोग जो कंट्रोल करने वाले हो इनको देखते रहो, इनको समझाते रहो, बताते रहो। जो अच्छे ड्राइवर हो जिनका काम यही है गाड़ी चलाना, वो लड़कों को और इनको कोई कमी हो तो धीरे से प्रेम से समझा दो। और जो आप अभी जल्दी चलाना सीखे हो वो लोग आप उनसे पूछते रहो, समझते रहो। देखो ये दुनियावी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है और मतलब ये है कि ये काम जो आप कर रहे हो परमार्थी ये तो आप सीख ही रहे हो तो वो भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं किसी दिन बोला नहीं, लेकिन हमको खबर लगे कि ये लड़ जाते हैं और ये जो है अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो भाई आप नहीं करोगे तो आप क्या सीखोगे? आपको तो बिल्कुल परफेक्ट होकर के जाना है। अरे घर में आप आलसी बने रहे, माँ बाप को शिकायत हुई और उन्होंने कहा कि भैया जो काबले में तो वहाँ ये एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ ये सब जो है इनके अंदर चैतन्यता आ जाएगी, तेजी आएगी, और आप वही आलसी बने रह गए, उसी तरह से लौट के गए। तो आपने क्या सीखा, क्या समझा और क्या बन करके गए? इसलिए आप सब लोग थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बोलो जय गुरुदेव और की नजर करो मेरी ओर में हर दया की नजर करो मेरी ओर दया निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निष्ठ जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर कौन भूल हो ये तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले, हृदय की नजर करो मेरी ओर। आप लोग बोलते रहना और प्रचार भी करते रहना, हर मुसीबत में मददगार है। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम आप लोग बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना घेराव से दूर रहना। अधिकारियों, कर्मचारियों का सम्मान करना, नियम कानून का सब लोग पालन करना। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता की सेवा जरूर करना। और यह जो भजन का रास्ता बताया, आप लोग भजन करना, शाकाहारी रहना और शाकाहारी का प्रचार करना। बोलो जय गुरुदेव।